लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Director Special 123 Hills presents मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय चुन्नीलाल पोदार ने अपनी वसीयत अपने माली के बेटे श्री राहुल भागवत के नाम कर दी है। श्री पोदार की वसीयत करीब 400 करोड़ की है। कल तक एक मामूली हैसियत रखने वाले राहुल भागवत अब शहर के चंद बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अंदर जाओ। हाँ वो देखो आगे आगे। इस राहुल जिस दौलत को पाने के लिए इंसान जिंदगी भर दौड़ता है, अचानक पाकर कैसा लग रहा है आपको? मिस्टर राहुल, क्या आपको मालूम था कि आप इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बनने वाले हैं? आनंद आया आया आया, सुनिए सुनिए, स्कूल में आप लोग हटिए, कहाँ सर पे चले आ रहे? हटिए हटिए यहाँ से। देखिए, मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले विल सरमिन की फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, फिर इंटरव्यू। हटिए आनंद। हेलो राहुल। आखिर माली का बेटा है ना, वंस अ माली ऑलवेज अ माली। चलिए चलिए चलिए, बाद में मैंने कहा ना टाइम दूंगा। चलिए 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 चलिए, क्या कर रहे हो? उठो, सब लोग देख रहे हैं। मैं इन पेड़ पौधों को बुरी हालत में नहीं देख सकता, आखिर इनमें भी जान है, लोग समझते ही नहीं। हाँ, उन्हें बाद में समझा देंगे, अभी रजिस्ट्रार आ गए। उठो उठो। वेलकम एवरीबॉडी, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए मैं मिस्टर पोदार की वसीयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं संपत राव पोदार बल किशन राव पोदार अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत राहुल भागवत वल्द हरभजन भागवत के नाम करता हूँ। मेरी चल अचल संपत्ति और बैंक में जमा कुल रकम मिलाकर करीब 400 करोड़ की है। मेरी इस वसीयत की हकदारी के लिए श्री राहुल भागवत को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो इस प्रकार है। शर्त नंबर एक, मैं जिंदगी में जिन तरीकों और उसूलों पर चल रहा था उसे भी उन्हीं पर चलना होगा। शहर में जो मेरे नाम का, शर्त नंबर दो पढ़ रहा हूं, शहर में जो मेरे नाम का दबदबा है वो कायम रहना चाहिए। ये क्या? तीन, उसे शहर का, ये कैसे हो सकता है? What? No, it's impossible. Mr. Dastur, जरा ऊपर आइए, जरा ये नंबर तीन पढ़िए। One minute. Oh my God. ये सब क्या है क्या? ये नहीं हो सकता। यही सब तो मैंने भी कहा। One minute. Anand, please come up. Yes, sir. आनंद ये देखो, ऐसा वीर कोई किसी का बनाता है? कुछ गड़बड़ है, देखो। एक मिनट, मैं देखता हूँ। फिरा, एक मिनट। ओह, मैं देखता हूँ गड़बड़ का।
गड़बड़ कहीं भी हो, बिल में जो कुछ लिखा है आप लोगों के सामने है। अब कुछ नहीं हो सकता सर। जी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। I'm sorry, this bill cannot be given to Mr. Rahul. ये वसीयत Mr. Rahul को नहीं दी जा सकती। As such, this ceremony stands cancelled. Ladies and gentlemen, you can go home. Sir, if there is a will, there must be a way. Yeah, there is one way. I know that. That's the sir, 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 is out of the question. Don't worry. रिलैक्स, परेशान मत हो, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। मगर ये छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, ये तो बता। देखो वो क्या है, वसीयत में एक एक छोटी सी क्लॉज है, एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है, बस। शर्त? कैसी शर्त? मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ राहुल, यू जस्ट रिलैक्स। ये जो तुम बात बात पर खड़े हो जाते हो उससे मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है, उन दिनों मैं एक नॉवल लिख रहा था, ग्रेट डॉन। तो मेरी नॉवल में डॉन एक इकलौते बेटे का बाप है और वो अपने बेटे के लिए वसीयत तैयार करवाता है और उसमें उसके लिए एक शर्त रखता है। हाँ, मुझे तुम्हारे नॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी वसीयत के साथ क्या हुआ ये बताओ पहले। मैं वही पहुंच रहा था, तुम बैठो ना, रिलैक्स। ये जो तुम घड़ी घड़ी खड़े हो जाते हो ना उससे मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो हुआ क्या कि मैं नॉवल और विल दोनों पे साथ साथ काम कर रहा था अपने कंप्यूटर पर। तो एक तरफ नॉवल का प्लॉट और दूसरी तरफ पोदार साहब की विल। लेकिन कंप्यूटर की गलती से नॉवल का कुछ पोर्शन विल में चला गया और विल का कुछ पोर्शन प्लॉट में। बस इतनी सी बात है। मगर नॉवल का कौन सा पोर्शन विल में चला गया? हाँ तो छोड़ो, अरे जो डॉन ने अपने बेटे के लिए शर्त रखी थी वही वाला। लेकिन डॉन ने अपने बेटे के लिए कौन सी शर्त रखी थी? वही मामूली सी, कि उसे शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना है, बस इतनी सी शर्त। अच्छा अच्छा, मतलब इस शर्त अब मुझे पूरी करनी है। इस शहर का सबसे बड़ा डॉन मुझे बनना है? वहाँ उसे बनना था, यहाँ तुम्हें बनना है, सिंपल। छोड़ो छोड़ो, गिर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो, वसीयत हासिल करने के लिए डॉन बनना पड़ेगा? संभालो संभालो, इजी इजी। देखो अब विल में जो कंडीशन है वो तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ना। अब देखो मैं तुम्हें एक महीने में डॉन कैसे बनाता हूँ। एक महीने में? हाँ यही तो शर्त है। नहीं नहीं, एक महीने में 400 करोड़। हाँ ना, देखो फटाफट को ऐसा काम करते हैं जिससे फौरन तुम शहर के सबसे बड़े डॉन बन जाओ। यार क्या परफेक्ट आइडिया है। ओहो मुबारक हो, मुबारक हो, तुम डॉन बन गए। हेलो डॉन, हाउ आर यू? थैंक यू। लेकिन आइडिया क्या है? इस शहर में बहुत बड़ी बैंक खुली है, उसे लूटते हैं। क्या? ओके ओके, अभी अभी खबर मिली है कि बाजार में जो नई बैंक खुली है उसे लूटने का कुछ गुंडे प्लान बना रहे हैं। सर, इस एरिया की इंचार्ज तो ऐसा एक कंचन ढिल्लों है। जानता हूं जानता हूं, कंचन ढिल्लों क्या है ये पूरा डिपार्टमेंट जानता है। कांचन एक भवंडर का नाम है जिसको दक्षिण दिशा में रेड करने को बोलो तो उत्तर में चली जाती है। आज वो लेट है, जरूर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा कर रही होगी। वही होगी सर, वही होगी। अरे सर, ब्रेक फेल हो गए थे, मैं इसे गैराज लेके जाने वाली थी लेकिन यहाँ के लिए लेट हो जाती, आप मुझे नौकरी से निकाल देते सर। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट। सर आप मुझे खास केस देने वाले थे सर, आपने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था, प्लीज सर। आपने कहा था सर, आप याद कीजिए सर। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, मेरी याददाश्त खत्म हो चुकी है। प्लीज सर, एक केस प्लीज सर। अरे लगा लगा काटे, इस लड़की के वजह से मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ए काटे, तुम अपनी फोर्स लेकर वो बाजार के बैंक में जाओ और जैसे ही वो गुंडे वहाँ पहुँचेंगे उन्हें दबोच लो। आई चीज शपथ में छोड़ना नहीं। सर उन लोगों को मैं पकड़ सकती हूँ सर, वो बैंक मेरे एरिया में है। आप प्लीज मुझे भेजिए सर, आप प्लीज मुझे भेजिए। मिस कांचन, मैं तुम्हें इस काम में लगाने की भूल नहीं कर सकता। आप भूल कीजिए, प्लीज कीजिए सर। मेरे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, मुझे बहुत ऊपर जाना है सर। सर मैं उस दिन भाभी जी से मिली थी, उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया, कंचन तू एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। भाभी जी भी बहुत समझदार है सर, बहुत समझदार है। हाँ सर, वो ना हीरे और पत्थर में फर्क पहचान लेती है।
इसलिए तो उन्होंने आपको पहली नजर में देखकर पसंद कर लिया था नहीं? नहीं 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 कंचन, मैं तुम्हें ये काम नहीं दे सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके सर, ओके, मत दीजिए। करेक्ट। मगर हकीकत तो हकीकत है ना सर, भाभी जी की सारी फ्रेंड्स उनसे बहुत जलती हैं। एक तो आप हैंडसम तो है ही ना सर, ऊपर से इंटेलिजेंट भी। अब ये दोनों बातें एक इंसान में मिलना बहुत मुश्किल है ना सर, इसलिए जलती है बेचारी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं सर, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं। क्या हो गया कांटे को? कुछ नहीं सर, कुछ। ओके ओके, तो जाओ उन गुंडों को पकड़ कर लॉकअप में बंद करो और अपना, मेरा और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर इनामदार बोल रहा हूँ। हाँ हमें पहले खबर मिली थी, मैंने अपनी टीम वहां भेज दी है। ओके क्या? ओह माय गॉड, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओह नो, बैंक में सीबीआई के लोग भी पहुंच रहे हैं और कांचन को मैंने पहले ही वहां भेज दिया है। भगवान जाने अब क्या हंगामा होगा वहां। घबराइए मत, डोंट वरी, मैं सीबीआई चीफ दोने हूँ। मिस्टर सावंत, आपके बैंक के स्टाफ की जगह मेरे ऑफिसर्स ने ले ली है। हर जगह, हर खिड़की, हर दरवाजे पर मेरे आदमी हैं, चौकन्ने और अलर्ट, और मेरा हर ऑफिसर शार्प और इंटेलिजेंट है। सर सर, वो कैशियर की कैबिन में रहने बैठ गया है और वो कहता है वो वहां से नहीं हटेगा, फिर मैं कहां बैठूंगा सर? देखा आपने, शार्प एंड अलर्ट। तुम एक काम करो, यहाँ मैनेजर साहब के साथ बैठ जाओ, ये ताश लो और रमी खेलो। कम सुनो 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 सुनो, और जब तक ये रॉबर्स नहीं आते हैं, दो चार हाथ मैं भी खेल लेता हूँ। बांटो, चलो बांटो 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 बांटो। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस? वेरी फूलिश, आपको शायद मेरे रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं है। मेरे परमिशन के बगैर एक हवा का झोंका भी अंदर नहीं आ सकता, नॉट इवन ए झोंका। चलो 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 चलो, क्या करो, आराम से, मैं हूं ना। ये काम मुझसे नहीं। नमस्ते जी, इनकी तरफ मत देखो, रिएक्ट करेंगे, इनकी तरफ मत देखो, मत देखो, सीधे आराम से। उनके पास बंदूक है? कोई बात नहीं, वो डराने के लिए बंदूक चलते नहीं। अंधेरा बहुत है यहाँ। अरे बेवकूफ, तुमने सूरदास वाला चश्मा जो लगाया उतार उसे। रखो, अरे इसे देखो नहीं, रखो अंदर, अंदर रखो। वो जो सामने कैशियर बैठा है ना, सारा पैसा उसी के पास है। आनंद, एक आइडिया मेरे पास, तू भी खुश, मैं भी खुश। हैं? अब कौन सा आइडिया आया है? ये कल पे रखे? नहीं, कल पे नहीं, जो होना अभी, इसी वक्त, right now। ये लो रिवॉल्वर, लो रिवॉल्वर लो। आनंद, मुझे चलाना नहीं आता, ये मुझे नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, होगा। बी कॉन्फिडेंट, होगा। देखा, वो भी कह के गया, बी कॉन्फिडेंट, होगा। चलो चलो चलो, लेकिन ये है कौन? मुझे क्या पता कौन है, लेकिन जो भी कह के गया सही कह गया। तो मगर क्या दूं? दिखता नहीं क्या? दो। हाँ देख रहा हूँ, मगर क्या चाहिए आपको? दे दो, वरना है? वरना क्या? वरना कसम से। फोन उठा, फोन उठा। सर आपका फोन है सर, हा? आपका फोन है क्या? हाँ सर, फोन आपका है। फोन है, मैं फोन है। अरे क्या हो गया? अरे अरे उठाओ उठाओ भाई सबको, खिला। अरे पानी लेके आओ, पानी पानी, मुंह में पानी छिटे मारो। हाँ हाँ हाँ, संभालो। हाँ, एक मिनट एक मिनट, खामोश। क्या हुआ सर? ये अचानक बेहोश हो गया सर। बेहोश? कुछ नहीं हुआ सर, मैं ठीक हूँ। मैं सर, प्लीज पानी पिलाइए ना। अरे नहीं नहीं, इसको पिलाओ नहीं, कुछ खिलाओ। ही इज गॉन वीक। सैंडविच खिलाओ, डोसा खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। उफ, 15 मिनट हो गए, अंदर न कोई एक्शन न कोई रिएक्शन, ये हो क्या रहा है? जी जी जी, आपको नहीं, उधर हो क्या रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम्हारा दिमाग सरक गया क्या? या बैंक लूटने आए हो या ठूसने?
बंद करो ये चबड़ 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 चबड़। आनंद बैंक वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अब कोई दूसरा बैंक नहीं, यही बैंक लूटेंगे, यही बैंक लूटेंगे अभी इसी वक्त। तुम यही से पिस्तौल निकालो, यही से आवाज दो, यही से बैंक लूटो। चलो बोलो बोलो, हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ये हुई ना बात, जाओगे तो भून दिए जाओगे। गुड, वेरी गुड, जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसे ही बोला है। तुम कुछ लोगों को ले जाकर इनको पीछे से घेर लो, मैं यहाँ से इनको संभालता हूँ। देखिए देखिए, मैं इस बैंक का मैनेजर दोने हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये रहा मेरा बैग, इसमें कैश डालो। तुम बैग लेके आए, बताए नहीं? बोले गया। बोले गया कौन? वो। ओ, आप भाई साहब, थैंक यू। हैंड्स अप। हैंड्स अप पहले से किया हुआ है। ये लो बैग, जल्दी डालो पैसा। जल्दी तुम करो, हथियार नीचे डाल दो। मैं मैनेजर नहीं, सीबीआई चीफ दोने हूँ, दोने। मेरे ऑफिसर्स ने तुमको पीछे से घेर रखा है, हाथ ऊपर। क्या? ए, हिल्लावत हिल्लावत। अरे घेर लिया है तो क्या हुआ, हम इसे उड़ा देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मारे जाओगे, मैं कहता हूँ। अरे जल्दी करो। Stop the firing! अरे पैसे निकालता है या उड़ाओ? आपको जितना कैश चाहिए हम दे देंगे, मगर आप किसी की जान मत लीजिए प्लीज। ठीक है कल्लू मल्लू कल्लू मिया, जाओ और कैश लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। मोबाइल बंद करो। मोबाइल मेरे पास है, ये लीजिए। लगता है हम लोग टाइम पर पहुंच गए। यस मैडम। चल अरे चल चल। दूर दूर कोने कोने तक दोने के नाम से लोग थर्राते हैं, कांपते हैं। तुमको पता नहीं, आज तक दोने का ऑपरेशन कभी फेल नहीं हुआ। ए, नहीं, सारा कैश ले लिया? यस बॉस। गुड, खेल लो। दोने की प्लानिंग कभी नाकामयाब नहीं होती, तुमको तो हमारे जाल में फंसना ही था, अब तुम लोग बच नहीं सकते। एक रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तिवारी। यस बॉस। सारे बैग मिल गए? हाँ बॉस। गुड, वेरी गुड। गुड एंड ऑल, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट, गन पप, गिरफ्तार कर लो इन सबको। चुप। अरे क्या कर रही है आप? चुप। सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आप लोग अपना हाथ पीछे कर सकते हैं, जाइए अपने अपने काम कीजिए। अरे अरे किसको? शट अप। आप किसको छोड़ रही हैं मैडम? गिरफ्तार कर लो। मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं, आउट एवरीबॉडी। मेरी बात सुनिए, गणपत इतनी मर मत करो इसकी, सीबीआई भी सब भूल जाए। आप भूल कर रही, आप भी जा सकते हैं सर। थैंक यू मैडम। इसमें थैंक यू की क्या बात है, पुलिस हर वक्त हमेशा आपके साथ है। यू आर ग्रेट मैडम। थैंक यू। लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज है। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। देखिए मैं कितनी बार कह चुका, हम गुंडे लुटेरे नहीं हैं। हे दुर्गा माँ, हे दुर्गा माँ, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही आप? हम सीबीआई के स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे और मैं इन सबका चीफ हूँ, दोने, मिस्टर दोने। मैं कौन हूँ? देखिए आपकी पिटाई से अपना नाम भी भूल गया बेचारा। मैडम ये देखिए हमारे आइडेंटिटी कार्ड, देखिए। बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हो तुम लोग, जाली कार्ड भी बना लिए। गणपत। यस मैडम। कार्ड ले सर। मैंने बैंक के सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है सर। अच्छा? मैंने आपका और पूरे डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया है सर। कल हेडलाइंस में बस आपका ही आपका नाम होगा। वेरी गुड कंचन, वेरी गुड। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार तुमने सही काम किया है। थैंक यू सर।
ये गुंडे इतने शातिर अपराधी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा? यस सर, अपने आप को सीबीआई ऑफिसर कहते हैं। सीबीआई जाली कार्ड भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते सर कि इनका पाला सब इंस्पेक्टर कंचन ढिल्लों से पड़ा है। अरे कंचन, तुमने सर, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं सर। क्या कहने वाले? यही कहने वाले कि कंचन तुमने ये सब कैसे कर दिया। सर फेट कॉन्फिडेंस। अरे कंचन, मैं जानती हूँ सर, कल हेडलाइंस में सिर्फ आपका नाम होगा। अरे जनाब, तुमने जिनको पकड़ा है वो सीबीआई के लोग हैं। और तुमने जिनको छोड़ दिया वो गुंडे थे। गुंडे काटे, इनको छोड़ो, ये सीबीआई के लोग हैं। सर नहीं, रुको, ये लोग असली सीबीआई ऑफिसर हैं। गुंडे, सॉरी सर। देख लूंगा मैं सबको, देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर वो और तुम्हारी सब इंस्पेक्टर कंचन, ये जोकर है, इसको तो मैं काले पानी में भेज दूंगा। ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है या सर्कस कंपनी का पंडाल? सॉरी, देख लूंगा। क्या जमा जमा के टिका टिका के मारा है? माली का बेटा है ये लोहार का। मैंने जितना मारा वो कम था। वह बैंक में झूठ बोल के मुझे फंसाना था। वो बैंक लूटने का आइडिया मेरा था। आज से जो कुछ भी करूंगा मैं खुद करूंगा, देखना तुम। अरे 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 राहुल, राहुल राहुल सुनो सुनो, देखो ये काम अकेले का नहीं है, इसके लिए दिमाग होना चाहिए जो यहाँ है। हाँ मालूम है कितना अच्छा दिमाग है तुम्हारा। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे दिमाग की वजह से हो रहा है ना। अरे देखो देखो, ये मत भूलो कि मैं ही सिर्फ तुम्हें डॉन बना सकता हूँ। अरे तुम मुझे क्या डॉन बनाओगे, पहले अपने आप को वकील तो बना लो, देखना मैं सबसे बड़ा डॉन बनकर दिखाऊंगा, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। अरे राहुल, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, हो ना हो मैंने भी कभी बन के दिखाना है। डॉन 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 के डॉन, डॉन 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 के डॉन। कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, मैंने भी कसम से पकड़ के दिखाना है। लगता हूँ सब जैसा, सबसे जुदा हूँ। खजाना है डॉन 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 के डॉन, डॉन 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 के डॉन। हीरे हो मोती हो या हो करेंसी, मिल जाए मुझको बचाओ बंसी। देखूंगी ये कैसे होता है, तू चैन से कैसे सोता है, बोला को वो कैसे पाएगा, रोज काटे जो होता है। अरे होता है ऐसा ही होता है, मैंने भी तुझे ये सच करके दिखाना है। डॉन 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 डॉन।
क्या बात है, आप लोग ने ये सब भीड़ क्यों लगा रखी है? ओ नमस्ते मैडम, मैडम बात ऐसा है कि रूम नंबर 304 में एक नया किरदार आया है। वो इतना टकरता है, सबको मारता है, धमकाता है। पटेल साहब को देखो कितना मारा, देखो। मैंने बोला पटेल साहब को काय को मारा, तो मेरे को बोला ये ज्यादा बात नहीं करना, तेरे को भी उठा लेगा। उठा लेगा? हाँ। अच्छा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो साहब जो भी है उसका इलाज हो जाएगा। मेरे सामने वाला फ्लैट है ना, 304। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, पुलिस को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी पोस्टमार्टम के लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ झूठ बताता है कि गोली मार दूं, हाँ? देख मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2 कौन है? तुम वही हो ना जो अभी किसी को धमका रहे थे? मैं कहा धमका रहा था? Hands up! चल बता बता क्या कर रहा था, बता चल। क्या क्या कर रहा था? अच्छा खासा मिरर के सामने रिहर्सल कर रहा था, डायलॉग ही भुला दिया। बेल बजा के नहीं आ सकती थी क्या? एक्टर हो, ड्रामा कंपनी में काम करते हो? नहीं नहीं, फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हीरो बनना चाहते हो? हाँ, शकल सूरत से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ हो सकता है। एक्शन में चल जाओगे, वही मारा मारी, मगर वो सब फिल्मों में, समझे? यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना, वरना जान जाओगे कि मैं क्या हूँ। अब देख लिया मेरा निशाना? हाँ देख लिया देख लिया। हाँ। आपका निशाना भी कमाल है, आप भी कमाल है, समझ गया मैं। हाँ। समझ गया ना? हाँ। बाजू वाले फ्लैट में रहती हूँ, और कोई गड़बड़ की ना सीधा अंदर कर दूंगी, क्या? हाँ। समझा? हाँ, 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 हाँ। चल बाय बाय। साले आनंद के बच्चे को दिखा के रहूंगा, डॉन बन के रहूंगा मैं। क्या है भाई साहब? क्या है दीन, है दिखता नहीं क्या? कहाँ जा रहा है? काम पे जा रहा हूँ। तो वहां से जा, चल। वहां तो रास्ता ही नहीं है। हाँ तो जाना है, रख जी दुख क्या एक। यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, जाना। ए, भाई को नहीं बचाना क्या? साला क्या भागा, डॉन मरना तो बहुत ही। तंगड़ी मारता क्या? तंगड़ी मारता? तू निकलता बाहर की मैं अंदर आओ। क्या? देखिए देखिए, गलती आपकी है ना? हाँ, मान लिया ना आपने? तो झगड़ा खत्म, फिनिश। वो क्या? वो थोड़ी सी चाय की पत्ती चाहिए थी। देती हूँ। थोड़ी सी शक्कर चाहिए।
नहीं, अगर हो तो, वरना मैं बाजार से ले आता हूँ। नहीं, शक्कर होती है मेरे यहाँ। अच्छा। ये लो शक्कर, और साथ में दूध भी। दूध? आपको कैसे पता चला मुझे दूध चाहिए? ऐसे ही, पुलिस वाली हूँ ना। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। टी चाय। थैंक यू। थैंक्स किस बात की? सारी चीजें आप ही से तो ली थी ना। जी आप इसे फेंक रही हैं? हाँ, वो सूख गया है ना? एक मिनट, एक मिनट। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ। ये तो फिर से हरा भरा हो सकता है। आपके पास राई है, काली सरसों? हाँ बिल्कुल। ले आएंगी प्लीज? एक मिनट। आप पानी तो डालती होगी ना? हाँ हाँ, रोज। अरे गलत करती हैं आप। ये हफ्ते में सिर्फ दो दिन पानी चाहते हैं, और वो भी सर्दियों के दिनों में सिर्फ एक बार। देखिए कुछ ही दिनों में ये कितना हरा भरा होता है। काफी जानकारी रखते हो पौधों के बारे में। जी बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम आदमी कुछ और हो और हरकतें कुछ और करते हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम बड़ी अजीब और टेढ़ी है। आपने संपतरा पोदार का नाम तो सुना ही होगा ना? वही पोदार साहब जिन्होंने अपने 400 करोड़ की वसीयत अपने माली के बेटे के नाम कर दी। जी, और वो लड़का मैं ही हूँ। ओह, लेकिन वो 400 करोड़ रुपए मुझे अभी तक नहीं मिले। क्यों, कोई मुसीबत आ गई क्या? मुसीबत तो मेरे कंबक वकील ने खड़ी की है। गलती से उसने वसीयत में ऐसी शर्त डाल दी कि मैं बुरी तरह से फंस गया। शर्त? कैसी शर्त? यही कि मुझे शहर का सबसे बड़ा टाउन बनना पड़ेगा। क्या? हाँ, और मैं इसी कोशिश में लगा हूँ। यानी कि वसीयत पाने के लिए तुम एक क्रिमिनल बनोगे, समाज को नुकसान पहुँचाओगे? मेरी जिंदगी का सवाल है यार, 400 करोड़ रुपए का सवाल है? तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। छोड़ो यार, डॉन तो मैं बन के रहूंगा, पक्का इरादा है मेरा। और मेरा भी पक्का इरादा है कि मैं तुम्हें अंदर करके ही रहूंगी। हाँ, अंदर कर लो। हाँ? एक मिनट, एक मिनट। तुम्हें डॉन बनना है और मुझे डॉन को पकड़ना है। अगर हम दोनों मिल जाए ना, हम दोनों का काम हो सकता है। कैसे कैसे? मुझे एक आइडिया है। हाँ? मैं तुम्हें डॉन बनने की ट्रेनिंग दूंगी। हाँ? तुम्हें अंडरवर्ल्ड में एंट्री दिलाऊंगी। हाँ? तुम मुझे सारे अंडरवर्ल्ड की इंफॉर्मेशन लाके दोगे। हाँ? मैं सब डॉन्स को कैप्चर कर लूंगी। हाँ? और तुम एक अकेले डॉन बच जाओगे। तुम्हें अपनी वसीयत मिल जाएगी। हाँ? और मुझे मेरी प्रमोशन। 400 करोड़। यस, 400 करोड़। एक बात याद रखना, तुम्हारे मेरे बीच में एक प्रोफेशनल रिश्ता होगा। बस ये बात दिमाग से निकाल देना कि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की। ये प्यार व्यार का चक्कर बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे भी तुमसे कोई प्यार नहीं करना। एक बार मुझे 400 करोड़ रुपए मिल जाए ना, फिर जिंदगी में लड़की है लड़की है। वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। और मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे वाह रे वाह, तेरी तो लॉटरी निकल गई आनंद। ये तो राहुल के पड़ोसन है, यानी पैसा और प्यार एक साथ। सेठ छूटे। आहा, कीप द चेंज। तू भी कमाल करता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? थोड़ी बहुत खटपट तो होती ही होती है, इस तरह नाराज होने से क्या फायदा? वैसे बिल्डिंग तूने बहुत अच्छी सेलेक्ट की है और तेरा फ्लैट भी बहुत अच्छा है, और पड़ोसी आहा वो तो बहुत अच्छी है। हाँ वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी करने आयो? ओहो बाबा, मैं कोई नई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे यहाँ हेल्प करने आया हूँ। तुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं। सुनो, अरे देखो, कोई नया बकरा ढूंढो और नई क्लाइंट को बर्बाद कर जाओ। ये क्या करा, क्या करा? तू अपने हाथों से अपनी तकदीर को धक्का दे रहा है। अरे जाना।
अब तो मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। हाय, मैं आनंद माथुर। हाय। हाय, मैं राहुल का वकील कम दोस्त हूँ। ओह, तो आप हैं वो वकील। जी जी। बड़ी कमाल की चीज है आप। आपके कारनामों के बारे में राहुल मुझे काफी कुछ पता चुका है। जी जी, फिर तो आपको मुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई होगी। राहुल, तू मैंने बाहर धक्के मार के क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, बेटर येट, मेरी गन ले लो और इन्हें शूट कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। राहुल, मुझे गोली मत मारना, मुझे मैं मरना नहीं है। मैंने अभी जिंदगी में किया क्या है? मेरे बड़े बड़े अरमान बाकी हैं। तुम इसे समझाओ। तुम ऐसे सैंपल को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, ये मेरी समझ के बाहर है। खैर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? हमें अपना मिशन आज रात से शुरू करना पड़ेगा। आज रात से शुरू करना पड़ेगा? कहाँ जाना, क्या करना? इंडिटो क्लब, वर्ली। हमें अपना पहला अटैक इसी क्लब से करना होगा। अच्छा? ये क्लब शहर के नामी गुंडों का ठिकाना है। ये अपनी गैम्बलिंग, डील्स सब यहीं से करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। खास मेंबर्स ही अलाउड है। वहाँ लेकिन एंट्री मैं करवा सकता हूँ। आनंद, ये अभी तक गया नहीं? ए, तू अभी तक गया नहीं? हाँ? आप चाहे तो मैं आपकी एंट्री वहाँ करवा सकता हूँ। अबे एक मिनट, उसे बोलने तो दो। बोलो। इस क्लब को जिस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया ना, दरअसल वो मेरा खास क्लाइंट है। उसके साथ मैं एक दो बार क्लब जा भी चुका। इसमें एक भागने का रास्ता भी है, पीछे की तरफ से। जब पुलिस आती है तो गुंडे उसी रास्ते से भागते हैं। हमें भागना नहीं है, हमें अंदर घुसना है। जा जा। अरे, जिस रास्ते से भाग सकते हैं उससे अंदर भी तो आ सकते हैं। काफी तेज दिमाग रखते हैं आप। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खैर बॉयज, आज रात से हमारा मिशन शुरू। बास्टर्ड, बास्टर्ड, चीटिंग किया तुमने मेरे साथ। टोपिया नाम है अब उनका, टोपिया। सबको फोड़ डालेगा इधर। क्या हुआ टोपिया भाई, क्या हुआ? ए, साला तुम लोग इधर चीटिंग करता है। पांच पेटी हार गया मैं, पांच। बुला अपने सेट को, बुला। देखा, बाहर निकल। सबको फिर बात कर दूंगा। देखा, देखा, मेरे को मेरा पांच पेटी मनता है। अभी का बीच, अभी का अब बीच ना, ये ले। करता यार, ऐसा फाइट अपुन ने कभी देखा ही नहीं। कसम से हो गए ना इंप्रेस। हाँ, तुम ऐसे ही बन सकते हो। कैसे? बल्कि इससे भी बड़े बन सकते हो। कैसे? चंद मिनटों का खेल है। कल शहर के बड़े बड़े डॉन्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ सकता है। मेरा? तुम टेका से भी बड़े बन सकते हो। मैं टेका से बड़ा कैसे बन सकता हूँ? उसे मार कर। ए, क्या? नहीं नहीं, क्या आइडिया है, क्या कमाल का आइडिया है। क्या बकवास आइडिया है, देखा को देखा है क्या? हा? मरना नहीं है मुझे, मुझसे नहीं होगा ये। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी डॉन नहीं बन सकते। कंचन ठीक कह रही है, ठीक कह रही है ये। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो ऐसा मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देता। धो डालता उसे। धो डालता। अरे ये चीज क्या है, किस खेत की मूली है? इसे चित करना तो मेरे लिए सेकंड का काम है। देखा कितना समझदार है ये। समझदार है तो जाके बताए ना। जा जा जा। हाँ हाँ, जाएगा। जा ना आनंद। हाँ? तुम जाकर उसे गोंसा मार कराओ। ठीक है, लेकिन कंचन
मेरे जाने से क्या फायदा, डॉन्डी से बनना है ना। देखा देखा, लेकिन राहुल का डर निकालना है ना, तुम जाओगे ना आनंद? हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर तो जाना ही होगा। अच्छा उसे जान से तो नहीं मारना है ना? वो फोन नहीं, सिर्फ एक घुसा मारना है, बाकी फाइट तो राहुल करेगा। उसे सिर्फ घुसा। अच्छा देखो, अगर मेरे घुसा घुसा मारने से वो मर गया ना तो तुम लोग बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। देखा भाई, मैं मुश्किल में फंसा है, गरीब लाचार मजबूर इंसान हूँ। देखा भाई, आपके कामकाज में तरक्की हो, कारोबार में तरक्की हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, बस मेरे खासे गूंथा खा लीजिए प्लीज। क्या बोला, फिर से बोल, क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, मैं तो ये कह रहा था कि क्या दम है आपने, क्या धुलाई की आपने उसकी। आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आपसे मिलकर देखने के बाद ऐसा लगा कि जो सुना था वो बिल्कुल सही है, बल्कि उससे भी ज्यादा सही है। मेरे को क्या चाहिए बोलना? बस एक घूसे का सवाल है। घूसा? ये ले। अरे ये डॉन है या मोरोन है? घूसा मुझे मारना था और इसने मुझे मार दिया। आई लव यू कंचन, मुझे गलत मत समझा। बड़े अजीब बात नहीं हो, देखा ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है और तुम यहाँ मजे ले रहे हो, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा। तुम कुछ भी कर लो, मैं डेका से लड़ने वाला नहीं। इसका मतलब तुम डेका से नहीं लड़ोगे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गिराया? मैंने किसे गिराया भाई, मैंने क्या किया? सॉरी बोल दो, माफ कर देंगे। किस बात की सॉरी, मैंने किया क्या? अरे तूने तो गिराया। सॉरी सॉरी सॉरी। टाइम देखा। किरण, देखो जो तुम कर रही हो ना वो गलत है, मैं नहीं लड़ने वाला। ठीक है। ये अच्छा नहीं किया तुमने, इस बार गलती से नहीं हुआ है, जानबूझ के किया है इसने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करेंगे देका जी करेंगे। अब क्या करेंगे देका जी? क्या करूंगा? पहले लंगड़ी मार गया है। अरे चक्कर चार, अरे 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 चक्कर गिर जाए, पानी फेंका। अपने साइज का आदमी पकड़ना है भाई, पैर पकड़, पैर पकड़, बताइए क्या मार रहे आप देखा जी, कब बात हो गया? अरे राहुल दम है तो उठ के मारो ना। अच्छा चलो मारो मारो मारो। अरे राहुल मारो 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 मारो। ये क्या हो रहा है? अरे डर लगो, ये लो राहुल, डंडे से मारो। हाँ हाँ देखा जी, हाथ ऊपर, जब तक मैं बोलूँ हाथी जबर कीजिए, कुछ कुछ बजरंग। हाथ ऊपर देखा जी, यस कम ऑन राहुल।
अरे अरे टीका जी मैं हूं ना। अरे अरे ले जा नीचे, माफी मांग ले, कुछ नहीं हो सकता तेरा। अरे कहीं नहीं दे रहा, ढूंढो ढूंढो। क्या ढूंढो रेखा जी? अरे जो गिर गया उसे ढूंढो। लेकिन क्या गिर गया रेखा जी? अरे मेरे आंखों के कॉन्टैक्ट लेंस गिर गए, ढूंढो ढूंढो। कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढो रे, ढूंढो। अंदर में घूम, अंदर में घूम। रेखा जी इधर, ये रेखा भाई आज इधर इधर। ठेका को उठा कर ठेका है, आज से इस इलाके का डॉन राहुल भाई है। बोलो भाई भाई राहुल भाई, भाई भाई राहुल भाई, भाई भाई राहुल भाई, भाई 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 राहुल भाई, भाई भाई राहुल भाई। अरे राहुल तुमने उस गेंडे को क्या मारा है? याद दुश्म। अरे देखना तुम एक दिन बहुत बड़े डॉन बनोगे, किंग ऑफ डॉन्स राहुल डॉन। सही है राहुल। ठीक है चलो चलो। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं राहुल? अरे क्यों? देखो ना ये रात कितनी हसी है, जवा है, ये तारे हैं, ये चांद है, ये मैं हूँ और ये तुम हो। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है ना राहुल? हाँ चलो घर चले। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना राहुल? सही है। नो मोर यस, चलो घर चलो। राहुल आज घर नहीं जाना सोने।
तुम समझ रहे हो ना राहुल? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। Yes. Yes, बाबा। Good. अभी तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, okay? राहुल, राहुल सुनो राहुल, तुमने तो आज क्लब में कमाल कर दिया, तुम बहुत बड़े ड्रोन बनोगे, बहुत बड़े ड्रोन, शूट ड्रोन, शूट द ड्रोन, शूट द ड्रोन। क्यों क्यों छोड़ दो, नींद आ रही है। मेरे साथ हो ना राहुल, मेरे साथ हो ना। Yes. Yes. तुम समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। Yes. Yes. छोड़ दो प्लीज। मेरे कमरे में, मेरे बेड में, मेरे साथ, how dare you? मेरा कमरा नहीं? ये मेरा कमरा है और ये बेड भी मेरा है। तो फिर मैं यहाँ आया कैसे? मैं यहाँ आया कैसे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ड्रामा अच्छा कर लेते हो। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा रिश्ता प्रोफेशनल है। तुम्हारे मेरे बीच में डील हुई थी, अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तुम एक छठे हुए बदमाश निकले। बहुत हो गया, मुझे भी कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं। आज से अभी से हमारा रिश्ता खत्म। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देखना, एक दिन मैं सबसे बड़ी कमिश्नर बनके दिखाऊंगी। और तुम भी देखना, मैं शहर का सबसे बड़ा डॉन बनके दिखाऊंगा। डॉन? अरे ऐसे दरवाजा बंद करती है। देखना डैड, एक दिन मैं बहुत बड़ी कमिश्नर बनूंगी। यू विल बी प्राउड ऑफ मी। हाँ, कहती थी ना मैं ऑलवेज आपको। क्या है? मैं वो अंदर। अच्छा, तो अब तुम मुझे सॉरी कहने आए हो? ये कहने आए हो कि जो गुस्से में हो गया सो हो गया है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बात यही खत्म कर लेते। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज वॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करने वाली। मैं कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी स्त्री लेने आया हूँ, समझी माता जी? गर्म स्त्री रखती है घर में। ले जाओ अपनी सारी भी स्त्री। मैं ले जाऊंगा अपनी। ये क्या किया तुमने? मेरी पिक्चर फ्रेम तोड़ दी, कल ही खरीदी थी 400 रुपए की। ये लो 10 रुपए, बाकी के 390 वापिस दे दूंगा कभी भी। ओ मैडम, आप निकल गई अकल, आ गई रास्ते पे। पहले तो गुस्से में कुछ भी बक दिया और अब टैटा फेस। मैं सिर्फ अपना बकेट लेने आई हूँ, समझे श्रीमान जी? ए बकेट मत, अरे उसमें पानी है। अरे कंचन, कंचन क्या कर रही हो तुम? अरे नानी के बाहर ले जाना प्लीज यार, पानी नहीं आ रहा है। कंचन, एक मेरे गुलदस्ता तोड़ दिया, 200 रुपए का था। तो ठीक है ना, 390 के बजाय 190 दे देना। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ये 200 रुपए का है ना? हाँ, क्यों? ये लो तुम्हारे 10 रुपए, अब हिसाब बराबर। क्या पागल लड़की है, अच्छा हुआ अग्रीमेंट टूट गया। किस पागल ने तुम्हें पुलिस वाला बनाया है? एक दिन मैं कमिश्नर बनकर दिखाऊंगी और तुम डॉन कभी नहीं बन सकते। मैं भी डॉन बनकर दिखाऊंगा। अरे अरे छोड़ आनंद। राहुल ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों के बीच जंग क्यों हो रही है? कंचन, कंचन आनंद, तुम एक चीज डिसाइड कर लो, तुम उसकी टीम में हो या मेरी टीम में हो? अगर उसकी टीम में हो तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे पर सुनो, हुआ क्या है भाई, तुम दोनों के बीच तो अच्छी वाली दोस्ती थी। दोस्ती खत्म, अग्रीमेंट तोड़ दिया मैंने, ऐसी पागल लड़की के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे अरे यार, ये तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ पैसा है, किसे पकड़ू किसे छोड़ू? नहीं नहीं आनंद माधव, इंसान का भी अपना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, कोई वजूद होना चाहिए, कोई जमीर होना चाहिए। इसलिए पैसा। मुझे गलत कह रही है, मुझे गलत कह रही है। नशे में तुंथी वो, उठा के लाया मैं, ऊपर से गले में ऐसे बाहर डाल के रखी थी कि छुड़ाना मुश्किल हो गया था। देखिए सब सपने की बात छोड़, हकीकत में क्या हुआ ये बता। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ यार। क्या बात कर रहा है तू, ये सब हकीकत में हुआ? अब तुझे क्या हुआ? पानी 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 पानी, यानी मैं जब वहां बेहोश पड़ा था, ये दोनों आपका पानी सर। ये बताओ, तुम उसे वहां बिस्तर पर लेटाकर घर वापस आ गए थे ना? वही तो नहीं हुआ ना? वही तो नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? अरे उसने कसकर बिस्तर पर पकड़ लिया था और फिर उसने दो दो चुम्मी भी ली। चुम्मी? हाँ। चुम्मी चुम्मी यानी किस? किस किस, दो दो इधर। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त,
थक गया था, सो गया। अच्छा हुआ किसी की दुनिया उजड़ने से बच गई। क्या क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू भूल जा। देख अनंत, चैलेंज की बात है यार, वो लड़की समझती है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। तू तू डॉन बनने का कुछ आइडिया सोच यार, कुछ सॉलिड आइडिया सोच। सॉलिड? हाँ। ये पकड़। हाँ। सॉलिड आइडिया, सॉलिड। आनंद एक दिन तू बहुत बड़े वकील बनोगे। कुछ सोचा? अरे क्या सोचा बता ना यार। तू तू चिल्ला मत यार, एक अच्छा वाला आइडिया दिमाग में आया था, निकल गया। अभी 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। देखना 5 मिनट दूंगा। Yes,
मैडम। अपनी स्टेशन पे इतना खलबली क्यों है? पता नहीं मैडम, लेकिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, अंदर इनामदार साहब ने सब अफसर लोगों की मीटिंग बुलवाई है। फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। बराबर, चल चलिए। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती हैं, इनामदार साहब ने सब ऑर्डर दिया है। हमारे इन्फॉर्मर से पता लग चुका है कि जिंदाल इन दिनों इस शहर में ही है। ये वही जिंदाल है जिसका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हांगकांग, होनोलुलु और कनाडा की पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती यह है कि यही जिंदाल ने आज हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे जोन में कदम रखा है। अरे क्या? आज तक पुलिस इसे पकड़ने में नाकामयाब रही क्योंकि ये अपने कारनामे भेष बदल कर करता है, लेकिन ये है उसका सही चेहरा। उसकी गिरफ्तारी से रातों रात हमारे नाम चमक जाएंगे, प्रमोशंस, मेडल, समझो कि लॉटरी लग गई हमारी। सॉरी सर, मुझे दरवाजे से नहीं आने दिया तो मैं खिड़की से आ गई। खिड़की? कोई बात नहीं, अब आई हो उसी खिड़की से वापस चली जाना, क्या एक जरूरी मीटिंग चल रही है। सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, जिंदाल को लेकर परेशान है आप। मेरे पास एक दोस्त को पकड़ने के लिए फैंटास्टिक आइडिया सर, माइंड ब्लोइंग। ओह नो कंचन, तुम उसी खिड़की से वापस चली जाओ, नहीं तो मैं यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा, जाती हो या नहीं? ओके सर, जा रही हूँ, भाभी जी को मैं विधवा नहीं देख सकती। लेकिन सर। अरे जाओ सर। काटे, ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, अगर तुम जिंदाल को पकड़ लोगे तो हमारा डिपार्टमेंट तो तुम्हें प्रमोशन देगा ही, लेकिन बाकी देश भी तुम्हें सम्मानित करेंगे, तुम स्टार बन जाओगे स्टार, कोई कंपनी तुम्हें कार प्रेजेंट देगी तो कोई वर्ल्ड टूर टिकट। थैंक यू सर। जिंदाल का चेहरा तो हमने आज तक देखा ही नहीं, तो फिर हम उसको पकड़ेंगे कैसे? कुछ करो गणपत, कुछ करो, जरा सोचो, प्रमोशंस, मेडल्स, गाड़ियां, वर्ल्ड टूर, इससे बड़ा चांस जिंदगी में नहीं मिलेगा। बस वो जिंदाल की फोटो कहीं से मिल जानी चाहिए, अपनी तो लाइफ बन जाएगी। वो फोटो सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती है। कहाँ से? कांटे साहब की फाइल। जल्दी करो, तुम सब लोग तैयारी करो, तुम सब लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल निकालो और एक एक बंडल ले लो। आई डोंट नो, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन, जल्दी करो, अपनी अपनी जीप निकालो, मोटरसाइकिल। आपसे कुछ खास बात करनी है। मेरा टाइम नहीं, मेरा फ्यूचर का सवाल है। सर मुझे जल्दी करो, कंचन के बारे में आपसे कुछ कहना है। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ बोल, जल्दी से बोल, क्या बात है? सर आप कंचन मैडम से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो आपकी कितनी इज्जत करती है मालूम? इज्जत और मेरी? जब देखो इनामदार साहब के सामने मुझे नीचा दिखाती रहती है। वो इसलिए कि असली बात का किसी को पता ना चले। असली बात? कौन सी असली बात? सर पिछले 2 साल से आप उनके साथ उठते बैठते हैं, और उनकी दिल की बात का आपको पता नहीं है? दिल की बात? जरा उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए सर, मैडम की दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, वो हमेशा मुझे कहती रहती है। गणपत, इंस्पेक्टर काटे जैसा रोबिला मर्द पूरी पुलिस फोर्स में नहीं है, वो हमेशा कहती रहती है कि उनका अंदाज ही कुछ अलग है, उनके उनके चलने की स्टाइल, उनके बोलने का अंदाज और रुबाब उनका, वाह वाह क्या बात है, हो गया, ऐसा बोलती रहती है हमेशा, बस ऐसा बोलती है। कंचन किधर है, उसको मिलने जाता हूं। सर अभी आपको जिंदाल को पकड़ने जाना है। कंचन कंचन, अगर तू इसे पकड़ लेगी ना तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन तू इसे पकड़ेगी कैसे? तो क्या मैं राहुल से मदद ले लूं? हाँ उसी से मिलके ये काम हो सकता है। नहीं नहीं, मैं राहुल के साथ समझौता कभी नहीं करूंगी। व्हाट अ ग्रैंड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया आनंद, तूने तो कमाल कर दिया आनंद, ऐसा आइडिया कैसा सोचा है? धीरे धीरे बोल, हम कोई ड्रामा की रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, हम मशहूर साइंटिस्ट सुंदर अप्पा स्वामी नारायण कृष्णमूर्ति के किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे किसी ने सुन लिया तो? सॉरी, दीवारों की भी कान होते। अच्छा आनंद एक बात बता, तूने इतना बड़ी आइडिया कैसे सोचा यार? यार मैंने सोचा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट हस्ती कौन है? कौन है? कौन? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट सुंदर अप्पा स्वामी नारायण कृष्णमूर्ति, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। जेड माइनस माइनस, इतने सारे माइनस? हाँ जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी किडनैपिंग के लिए आईएसआई ने $10 मिलियन से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ है। 10 लाख? 10 मिलियन? बहुत होते हैं ना? बहुत होते हैं मतलब? बहुत होते हैं यार, जिसके लिए सारे आतंकवादी, हिंदुस्तान का सारा अंडरवर्ल्ड, दुबई से लेकर होनोलुलु तक के सारे डॉन्स 2 साल से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है कि 2 दिनों के बाद एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सारे साइंटिस्ट लोग आएंगे, वहां साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति भी आएंगे, हम भी वहां साइंटिस्ट बन गए,
हम भी वहाँ साइंटिस्ट बनकर जाएंगे और मेरे आगे के प्लान के मुताबिक हम। हाँ जो भी हो यार वो सब मैं समझ गया, लेकिन मैं साइंटिस्ट को पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उसे आज तक देखा ही नहीं। अरे तुमने क्या, उसे किसी ने नहीं देखा है, उसका चेहरा टॉप सीक्रेट रखा गया, लेकिन मेरे पास उसकी एक फोटोग्राफ है। लेकिन ध्यान रहे राहुल, वहाँ ढेर सारी पुलिस होगी, इसलिए चेहरे पर कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, पसीने की कोई बूंद नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी यार। अब आगे का प्लान सुनो। इतने सालों की रेडिएशन की वजह से साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति की किडनीज वीक हो गई हैं, इसलिए उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अगली बार जब वो टॉयलेट जाए। क्या बात है आनंद, क्या आइडिया है? थैंक यू राहुल। तो तुम उनकी किडनैपिंग करोगे और मैं बाहर वैन में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैन में क्यों, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ओहो, विल की टर्म ही यही है, तुम्हें अकेले करना होगा। अच्छा 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 अच्छा। कृष्णमूर्ति, दो दिन में तुम्हारी तकदीर का फैसला होने वाला है और मेरी भी। यह है साइंटिस्ट सुंदरप्पा स्वामीनारायण कृष्णमूर्ति। भारत का पहला एटम बम बनाने में इन्हीं का ही हाथ है और अब ये दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूट्रॉन बम बनाने में लगा है। पूरे वर्ल्ड का माफिया इसके पीछे है, मगर आज तक कोई भी इसे किडनैप करने में कामयाब नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये काम मेरा है, जिंदाल का। मेरे अलावा दूसरा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे काम करके मैं तुम सब डॉन से ऊपर उठाऊं, और ये बात तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन, डॉन नंबर वन। अगर किसी के दिमाग में कोई शक, कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है तो वो खड़ा हो सकता है। यही वो जगह है जहां मैं अपनी जिंदगी का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक खेल खेलने जा रहा हूं। सबसे आखिरी क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि सर ये काम इतना खतरनाक है कि पुलिस के हाथों मारे भी जा सकते हैं। इडियट, नो, नेवर। आखिरी खेल से मेरा मतलब है कि साइंटिस्ट कृष्णा मूर्ति की किडनैपिंग के बाद मुझे जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे चलो साइंटिस्ट यहां बार बार आएगा, यह पूरी जगह गार्ड से घिरी होगी। साइंटिस्ट जब अंदर जाएगा तो मैं। सर वहां पे कोई भी नहीं है, आपको खामों का शक हो रहा है। चेक करो सर। यहां तो कोई भी नहीं है, आपको तो ऐसे ही। Before 9, what is your report on Operation Crackjack? Sir, मैंने conference की जगह देख ली है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं scientist कृष्णमूर्ति की kidnapping कर सकती हूँ। Before 9,
तुम्हें पता है कि इस किडनैपिंग के लिए और भी साजिशें हो रही हैं? Yes, sir. But I'm confident. Okay, go ahead. But remember, there is no room for failure. Yes, sir. Be alert. चौकन्ने रहो. Yes, sir. Be smart. हम यहाँ पर साइंटिस्ट सुंदरप्पा स्वामीनारायण कृष्ण मूर्ति की सुरक्षा के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए हैं, जिनको किडनैप करने की साजिश चल रही है. इंटरनेशनल गैंग उनको किडनैप करना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे. उनके उठते ही एक सेकंड के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ना है. खाते पीते नहाते धोते उठते बैठते चलते फुदकते चारों तरफ से उनको घेर के रखना है, उन पर कड़ी नजर रखनी है, जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ओह, मिस्टर कृष्णमूर्ति के उठने का वक्त हो गया, जाओ उनको उठाओ. यस सर. याद रखो, मेरा एक भी इंस्ट्रक्शन मिस करोगे तो डिसमिस हो जाओगे. सर सर सर, वो तो बेडरूम में नहीं है. व्हाट? बेडरूम में नहीं है? इट इज इम्पॉसिबल. सर सर, मुझे लगता है वो किडनैप हो गए. हो नहीं सकता ये बदतमीज. बेडरूम बाथरूम किचन हर जगह तलाश करो. गो गो. समझ में नहीं आता, इतनी सिक्योरिटी इतने गार्ड्स के होते हुए वो कहां चले गए. आई टेल यू. सर सर. माय गॉड, ही इज जॉगिंग विदाउट गार्ड्स. ये कैसे बाहर निकले कोई बताएगा मुझे? जाओ उनको लेकर आओ, लेकर आओ. यू फूल्स, गो. गुड मॉर्निंग दोने. हैं? आप बिना गार्ड के बाहर कैसे चले गए? आप जानते हैं आपकी जान को खतरा है. हम दिन रात आपकी सिक्योरिटी में लगे हुए और आप हैं कि सिक्योरिटी 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 स्वामीनारायण सुंदरप्पा कृष्णमूर्ति को जैसे बंद कर रखा है. कोई आजादी ही नहीं. कई दिनों से मैंने न सनराइज देखा है न सनसेट देखा है. तूने? वो तो किसी ने भी नहीं देखा है. बैड वेदर ना. बैड वेदर. सर आप जाकर कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए प्लीज, और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए. ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ. सनराइज सनराइज ब्यूटीफुल सनराइज. एक मिनट सर. अरे यार मैं ब्रश करने जा रहा हूँ. इसे छूना मत, इसमें बम हो सकता है. ब्रश लाइए सर. क्या कर रहे हो यार? चेक कर रहा हूँ. चेक कर रहा? ये लीजिए सर. नहीं करना है ब्रश मुझे यार. कीजिए सर. अरे पकड़ा गए हो क्या? थैंक यू. एक मिनट, हो सकता है इसमें जहर हो. यू नेवर नो, यू नेवर नो. तुम पियो. सर मैं? हाँ हाँ तुम. सर आई सर पियो. अरे शहीद हो जाओगे तो मेडल मिलेगा. पियो. तो तुम क्यों नहीं पीते दोने? सर वो क्या है कि मैं जूनियर्स को चांस देना चाहता हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि जूनियर्स आगे आए, नाम कमाए. पियो. आई सर पियो. I told you, देखे, 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 देखे. सर मैं बच गया, मैं बच गया सर. मतलब कुछ नहीं है ना? या कुछ भी नहीं है. लीजिए. एक मिनट. नहीं कर रहा है मुझे ब्रेकफास्ट. तंग आ गए हो ऐसी सिक्योरिटी से. काश मुझे कोई किडनैप ही कर ले यार, ताकि मैं चैन की सांस तो ले सकूं. एक मिनट एक मिनट. इलियट. कम इन डेका, कम इन. ठीक 8 मिनट के बाद. ओके. Okay.
दीवाने प्यार के करामात हो गई देखोगे तुम कैसी करामात हो गई हर दिन ही तब होने वाले साइंटिस्ट जी 400 करोड़ रुपए मिलते ही मैं आपको छोड़ दूंगा क्या कह रहे हैं आप जरा कोऑपरेट कीजिए यार अरे राहुल यू आर टू मच यार तूने तो कमाल कर दिया इतनी बड़ी हस्ती जिसके पीछे पूरे वर्ल्ड का माफिया लगा हुआ तू उसे एक ही झटके में उठा के लिया बोला था आप अपना मुंह बंद कीजिए मिस्टर साइंटिस्ट आप इस वक्त अपने लैब में नहीं हमारे डेन में अच्छा ना तो मुझे मेरे 400 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना अरे राहुल समझो तेरी लाइफ बन गई मेरे दोस्त बस चंद ही दिनों की बात है तेरे पास एक रोल्स रॉयस गाड़ी होगी शहर में बहुत बड़ा बंगला होगा अरे चुप यार साइंटिस्ट लोगों का जितना बड़ा बाथरूम होता है उतना बड़ा तेरा बाथटब होगा और तू उसमें शैंपेन में नहा रहा होगा ला ला ला। अरे चुप यार तेरा करता रहता क्यों डिस्टर्ब करता है यार मैं अच्छा खासा घूमता गाड़ी में था तेरा क्या प्रॉब्लम है यार चुप यार मैं शैंपेन में नाऊं क्या कपड़े धो तेरा क्या जाता है राहुल दाना धोना बाद में मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो यार ये तू किसे उठा ले आया है क्या मतलब है तेरा अरे यार ये तू किसे उठा के ले आया है अरे वो साइंटिस्ट कृष्ण मूर्ति का और किसको अरे ये कृष्ण मूर्ति नहीं है क्या मजाक कर रहा है यार तू अरे राहुल ये कृष्णा मूर्ति नहीं है ये शहर का सबसे बड़ा डॉन है चिंदाल ये चिंदाल कैसे हो सकता है यार ये तो वही साइंटिस्ट कृष्ण मूर्ति है इसकी फोटो तूने मुझे दी थी है इसकी फोटो मैंने तुझे कब दी थी मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ये किसकी फोटो है अरे ये फोटो मैंने तुझे नहीं दी थी मेरे हाथ में जो फोटो थी वो अलग थी तेरे हाथ में जब फोटो थी तब अलग हाँ। थी। मेरे हाथ में फोटो आ गई तो अलग हो गई ये चमत्कार कैसे हुआ बाबा ये चमत्कार मैंने किया है मतलब ये फोटोग्राफ मैंने बदल दी फोटोग्राफ तुमने बदल दी मगर क्यों क्योंकि मुझे डॉन को पकड़ना था थैंक यू मिस्टर राहुल भगवत फॉर डूइंग माय जॉब कोई बात नहीं यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जिंदाल यू आर अंडर अरेस्ट चलो मेरे 400 करोड़ रुपए का क्या मेरे डॉन बनने का क्या राहुल अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी चलो हट जा मैं तुम्हें डॉन बना सकता हूं कैसे कैसे जिंदाल साहब चल यू आर अंडर अरेस्ट नहीं बोल सकते अरे मैं तुम्हें 400 करोड़ दिला सकता हूं कैसे कैसे
पहले इसका तो कुछ करो। चलो 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 यहाँ का सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ। हाँ। अगर मैं ये मान लूँ कि तुम मुझसे भी बड़े डॉन हो तो तुम्हारा काम तो बन गया। बन गया। चलो खोलो। हाँ। खोलो। hey, 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 एक मिनट तुम रिलैक्स। अरे क्या? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। राहुल के डॉन बनने से पहले कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं, कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इधर आओ। तू खोल, तू खोल। नहीं 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 सुनिए राहुल, कानूनी कार्रवाई क्या? जब मैंने मान लिया तो कानूनी कार्रवाई क्या होती है? अरे नहीं नहीं, मान लेने से कुछ नहीं होता। कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई वो तो पूरी करनी होगी। ओके, जो तुमको करना करो, लेकिन जल्दी करो, जल्दी। ओह माय गॉड, सीधे सीधे। कौन सा बूट बंगलों में लेके आया तू? अरे ठीक तो है, गिरते गिरते बच गया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी दूर और। हाँ थोड़ी दूर करके कितना किलोमीटर चलाया? अब मैं नहीं चलने वाला। अरे बताओ तो कहाँ ले जा रहे हो और इस खंडर में क्या दिखाना क्या बताना चाहते हो? आप चुपचाप अपना काम कीजिए। आपको सबूत चाहिए ना कि मैं सबसे बड़ा डॉन हूँ, तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए आप। देखो मिस्टर राहुल भागवत, हमें ये मत समझाओ कि हमारा काम क्या है। हमारे पास सबसे बड़े डॉन जीवा का रिकॉर्ड है। और तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये जीवा डॉन से भी तुम बड़े डॉन हो। कोई होशियारी नहीं चलेगी। हाँ, आप चलिए चलिए मेरे साथ, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे आपके। चलिए चलो चलो। आइए आइए आइए। आनंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आनंद इन लोगों ने मिशन कश्मीर का नकाब क्यों पहना है? क्योंकि ये लोग मिशन पे। कौन सा मिशन? मिशन इम्पॉसिबल। तुम कौन हो? मैं आनंद हूँ सर। इम्पॉसिबल देखिए ना सर। ये सब क्या हो रहा है? बेचारे नियते परिंदे पे गोली चला दी, वो भी सफेद कबूतर जो शांति का प्रतीक है, जिसमें बड़े से बड़ा माफिया गोली नहीं चलाता उसमें गोली चला दी। वो तो अच्छा वो मरा नहीं, वरना पिक्चर सेंसर में फंस जाती। बैठ जाओ तुम लोग, एक कार्रवाई शुरू करो। ये रहे हिंदुस्तान के सारे डॉन। इस टेबल पर हर स्टेट का एक एक डॉन बैठा है, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा। और ये रहे जिंदाल साहब, इन सारे डॉनों के डॉन। ये भी मुझे अपने से बड़ा डॉन मानने के लिए तैयार है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और ये रहा क्रिमिनल रिकॉर्ड, देख लीजिए आप। चलो मान लेते हैं कि ये बहुत बड़े डॉन हैं, लेकिन पहले ये तो साबित हो जाने दो कि जीवा से भी बड़े डॉन हैं। मिस्टर दस्तूर ये आप ये जिंदाल का रिकॉर्ड पढ़ो, मैं जीवा का पढ़ता हूं। ये देखो ठीक है, ये भी ठीक है, यहां भी ठीक ही है। ये एक मिनट मिस्टर जिंदाल, असॉल्ट ड्रग्स और स्मगलिंग में तो आप आगे हैं, लेकिन आपका जो मर्डर का रिकॉर्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? देखिए डराई मत, हमें अपना काम करने दीजिए। जीवा के नाम पर 225 मर्डर हैं, जबकि आपके नाम पर 227। हाँ, तो मेरे दो ज्यादा है, प्रॉब्लम क्या है? आपने जो पहले धारावी में 4 मर्डर किए थे ना, उसका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो गिने नहीं जा सकते। ही इज राइट, नो पुलिस रिकॉर्ड नो मर्डर। लीगली स्पीकिंग यू आर रॉन्ग सर। Under Section 586 of Indian Penal Code, when a murderer claims and no one else claims that all the murders belong to the murderer, जो कि legally गिने जा सकते हैं, Your Honor. But under Section 586, Subsection A, the police must have proof. Under Section 586, Subsection B, confession is admission of guilt, therefore proof of crime. But under Section 586, Subsection B, Clause C. Silence! Silence! This is not your court. ये मेरा court है. छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, विदर्भ, झारखंड, खड़े हो जाओ। यूपी, घोड़ा ला। नो एनी प्रॉब्लम, अभी तो मेरा दोस्त ज्यादा हो गया। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है ना? यस। वन मिनट, इसको क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम घर जाएंगे। नो मिस्टर दस्तूर, देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। अरे भाई ये प्रॉब्लम छोड़ो, न तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। मिस्टर जिंदल, किडनैपिंग में आप जीवा से 10 केस पीछे हैं। अब भी मेरे को कितना मर्डर और करना पड़ेगा? इन दोनों को छोड़कर 3 और।
अभी बोलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर नाटकर्णी। मिस्टर दस्तूर डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मेरा काम करने दो। तुम काम कर रहे हो या कम कर रहा है? देखो वहाँ बहुत कम बाकी रह गए हैं, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया वहाँ ज्यादा कम हो गए तो हम लोग भी कम हो जाएंगे। मिस्टर दस्तूर हम कानून पालने वाले लोग हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। डकैती में जीव आपसे 9 केस आगे है। अभी तो हिसाब बराबर। बराबर 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 बोल दो ना, सिर्फ हम दो बाकी है। मिस्टर दस्तूर मुझे अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी करने दो। जल्दी करो, जल्दी करो। बराबर बराबर मिस्टर जिंदाल, कांग्रेचुलेशंस, आज की तारीख में प्रूव हो गया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं। और मिस्टर राहुल आपको डबल कांग्रेचुलेशंस, इससे भी बड़े डॉन हैं। कल आपकी बिल आपको ऑफिशियली हैंड ओवर कर दी जाएगी। आनंद अभी हमको बाहर छोड़कर आ, रास्ता नहीं मालूम। चलो डी, चलो डी। कंचन तुम जा, तुम जा। ओके। ओ कहाँ जा रही हो? तूने क्या कहा इससे? अरे राहुल अपना काम हो गया ना, अब इसका भी भला हो जाने दो। मैं इसका भला बिल्कुल नहीं चाहता, याद नहीं किसी ने तो फोटो बदली थी। ठीक है छोड़ दो रॉन को, जाने दो उसे। तुम्हें क्या लगता है जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड का सफाया किया है वो छूटते ही तुम दोनों का सफाया नहीं करेगा? किसने मारा इनको? तलाश करो। आधे इधर, आधे इधर, आधे मेरे पीछे। राहुल मेरे ख्याल से उसे छोड़ना बहुत खतरनाक होगा, कसम से। ठीक है जा। सर वहां कोई नहीं है। यहां भी कोई नहीं है, उधर देखो। जाओ। जिंदाल आखिर तुम मेरे हाथ लगी गए, अब आगे आके देखो होता है क्या। इस खतरनाक अपराधी जिसने बड़े बड़े मुल्क के पुलिस के नाक में दम कर रखा था, तुमने इसे गिरफ्तार कर लिया, तुमने जिंदाल को गिरफ्तार कर लिया। चुप! ये तेरी बीवी का मौका नहीं, पुलिस स्टेशन है। सर आप जानते नहीं मैंने इसको कितनी मुश्किल से पकड़ा है। अच्छा यूँ तो अच्छा हुआ कि मैंने सामने से आती हुई गोली को देख लिया, मैं बैठ गई और गोली सर के ऊपर से चली गई। सर अच्छा कंचन तुमने इसको पकड़कर एक मिसाल कायम की है, अब मैं प्रेस वालों को बुलाऊंगा, वो लोग हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, अब मिसाल को उनके सामने रखकर मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आप लोगों ने जिंदाल को नकाब में क्यों रखा है? हम उसकी तस्वीर लेना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, आप लोगों के साथ इसकी बातचीत करवाने के लिए और इसकी फोटो खिंचवाने के लिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, तो तैयार हो जाइए। दंग रह गए ना? अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? ये जिंदाल है, जॉनी वॉकर नहीं है। सर सर अरे काटू तू आ गया, वेरी गुड। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर तुम सिर्फ मेरी सुनो, जस्ट लिसन टू मी, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से है। सर उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, गलतियां तो किसी से भी हो सकती है लेकिन उसके लिए सस्पेंड कर देना। यस मैं खुद भी हैरान हूँ, ऊपर बैठे लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया उनका दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हें सस्पेंड नहीं नौकरी से निकाल देना चाहिए। आप तो ऐसा मत कहिए सर, जब पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा।
सर, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस डिपार्टमेंट के लिए। उनके नाम की तो मिसाल दी जाती है। उनकी बेटी होने के नाते मुझे एक और मौका दे दीजिए सर। नो, कोई चांस नहीं। रिवॉल्वर और यूनिफॉर्म आप तुम्हें वापस नहीं मिल सकता। तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम बिना वर्दी के कोई बड़ा काम करके दिखाओ तो मैं एसीपी से तुम्हारे लिए बात करूंगा। किसने तोड़ा ये? हाँ? किसने फोड़ा? अरे किसकी हिम्मत थी? इतना महंगा शैंपेन था? फिर हट। शैंपेन खोली जा रही थी, मजे लूटे जा रहे थे। तुम कौन हो और पुलिस की वर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? शट अप, मैं पुलिस ही हूँ। पुलिस? मेरा नाम है इंस्पेक्टर कांटे। अब जेल में इसको पड़ेंगे लंबे चौड़े चांटे। प्रॉब्लम क्या है? क्यों पड़ेंगे इन्हें कांटे, आई मीन चांटे? मैं मिस्टर राहुल भागवत के नाम का अरेस्ट वारंट लेकर आया हूँ। वारंट? एक मिनट, इसे नीचे रखिए। देखिए, मैं इनका वकील हूँ, आनंद माथुर। आप अरेस्ट वारंट दिखाइए। वारंट? ये देखिए, अरेस्ट वारंट। क्यों लग गया ना करंट? हथकड़ी इधर है, मालूम है। और ये है हथकड़ी। लेकिन काटे साहब, मैंने किया क्या है? किडनैपिंग। तुमने मशहूर साइंटिस्ट सुंदरप्पा कृष्णा मूर्ति को किडनैप किया है। साइंटिस्ट? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है। कोई फहमी नहीं है। जिस लड़की ने साइंटिस्ट को किडनैप किया, तुम उसके साथ गाना गा रहे थे। पुलिस से कोई छिपता नहीं है। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ काटे साहब। हट, पुलिस को अपना काम करने दो। सुने, सुने। मेरे को कोर्ट में मिलना। सुनिए, मेरे पास इसके खिलाफ सब सबूत है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? तुम लोग अगर कुछ समझ पा रहे हो तो मुझे भी समझाओ। आखिर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। सर, हमने राहुल भागवत को अरेस्ट कर लिया है और बहुत जो और राहुल भागवत उस लड़की को जानता है जिसने साइंटिस्ट कृष्णा मूर्ति को किडनैप किया है, यही कहना चाहते हो ना तुम? अरे सर, कुछ नया सुनना चाहते हैं? नया? बिल्कुल। सर, आप फिक्र मत कीजिए सर, इस लड़के के जरिए हम उस साइंटिस्ट तक पहुंच जाएंगे। कैसे? सर, जैसे वो लड़की उस लड़के से मिलने जाएगी, हमारी पूरी पुलिस फोर्स उस लड़की के पीछे लग जाएगी। तो तुम ये समझते हो कि वो लड़की लॉकअप में उससे मिलने आएगी? मिस्टर इनामदार, आपने इतने इंपॉर्टेंट केस में एक ऐसे ऑफिसर को लगा रखा है? हाँ? नहीं नहीं, ठीक भी है। जैसे मैंने आपको सिलेक्ट किया, वैसे आपने इसे सिलेक्ट किया। हम ठीक ही जा रहे हैं। इंस्पेक्टर, फटाफट उस लड़के को बाहर निकालो। करेक्ट। और जैसे ही वो लड़की को मिलने की कोशिश करे, कार्रवाई आगे बढ़ा दो। यस सर। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैडम, साइंटिस्ट बहुत खुश है। सारा दिन जॉगिंग और एक्सरसाइज करता रहता है। गुड। आइए जनाब। कैसे हैं? खैरियत? आए सर, अंदर चलें। कराची का मौसम काफी अच्छा है। जनाब, कराची की हर चीज दिल्ली से अच्छी है। अच्छा, हमने तो सुना था कि कराची का सिर्फ हलवा ही अच्छा है। देखिए जनाब, आपने आज की तारीख में वो साइंटिस्ट हमें देने का वादा किया था और आप अपने इस मिशन में नाकाम हुए। नाकाम हुआ? नहीं, मैंने उस साइंटिस्ट को अगवा कर ही लिया था, मगर एक बेवकूफ की वजह से पासा पलट गया और वो साइंटिस्ट एक लड़की उठाकर ले गई, यही ना? और जिंदाल साहब, माड़ी मोटी खबर तो हम भी रखते हैं यार। तो माड़ी मोटी तुमको ये भी खबर होगी कि तुम्हारे सारे के सारे ISI एजेंट्स उस लड़की को नहीं ढूंढ सके, ढूंढ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जब कोई गुम होता है तो उसे सिर्फ जिंदाल ही ढूंढ सकता है। तो ढूंढिए जनाब, ढूंढिए लड़की को, ढूंढिए। उस साइंटिस्ट के लिए पाकिस्तान की सरकार कुछ भी देने के लिए तैयार है। 10 मिलियन, 15 मिलियन। नहीं, कीमत वही होगी जो तय हुई है। हमारे वतन में दी हुई जबान के मायने होते हैं। बड़ा वतन वतन करते यार, बड़ी मोहब्बत है तुमको अपने वतन से, और उसी वतन के साइंटिस्ट को हमें बेच रहे। वो हमारा धंधा है। That is my business. धंधे और वतन की मोहब्बत को मिक्स मत करो। उस साइंटिस्ट को भूल जाओ तुम लोग।
मैं जा रहा हूँ। रुकिए जनाब, रुकिए रुकिए, आप तो खफा हो गए, तशरीफ रखिए, शरबत पीजिए। ए शरबत लेके आओ। ठीक है, इस बार साइंटिस्ट की कीमत दुगनी होगी, 20 मिलियन। ओ यार 20 मिलियन। ठीक है जनाब, हमें आपकी ये शर्त भी मंजूर है, मगर आप उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। और कितने दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा? तुम लोगों से कुछ नहीं होता, एक लड़की नहीं ढूंढी जाती तुम लोगों से? लगता मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। फिजूल की बातें मत करो राहुल, तुम्हें मालूम है कि हमें पुलिस से बचकर साइंटिस्ट तक पहुंचना है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ छुपाया है। ये लो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जरूर लड़की साइंटिस्ट को आईएसआई के हाथ बेचना चाहेगी। हमें यह पता करना है कि उनकी मीटिंग्स कब, कहां और कैसे होती हैं। हम लड़की तक पहुंच सकते हैं? Yes, of course. It's so simple. क्या खाक सिंपल है? ये कब, कहां और कैसे पता चलना इतना आसान है क्या? वो क्या रेडियो में अनाउंसमेंट देगी या फिर पेपर में इश्तिहार देगी कि आईएसआई भैया, साइंटिस्ट भैया मेरे पास है, आप लोग आके फला फला जगह से उसे ले जाइए। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। इस तरह के लोग अक्सर कोडेड मैसेजेस इन्हीं इश्तिहारों के जरिए देते हैं। तो ठीक है, पढ़ता हूँ। नंबर वन, एक काला बैग जिसमें जरूरी कागजात है खो गया, लौटाने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। रिप्लाई यशोभूमि, पीओ बॉक्स नंबर 969। हाँ, यही तो है, काला बैग, साइंटिस्ट, पैसे देने वाला, आईएसआई और डॉक्यूमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे पढ़ो। हाँ पढ़ता हूँ। एक 3 साल का सफेद कुत्ता बैंड्रा कार्टर रोड से घूम गया है। कुत्ता यानी? नहीं हो सकता, आगे पढ़ो। हाँ ये वाला तो कमाल है। क्या? कुकुरमुत्ता बादलों का चित्रकार लापता, सूरजमुखी से संपर्क करें, केयर ऑफ परमजीत सिंह। कुकुरमुत्ता बकवास है, आगे पढ़ो। कुकुरमुत्ता, एक मिनट। कुकुरमुत्ता बादल यानी मशरूम क्लाउड यानी एटम बॉम्ब। हाँ, एटम बॉम्ब के फटने पर इसी तरह धुएं का बादल उड़ता, बिल्कुल कुकुरमुत्ते जैसा। चित्रकार यानी के पेंटर। अरे पेंटर नहीं, साइंटिस्ट। हाँ, और लापता यानी मिसिंग, यानी कि एटॉमिक साइंटिस्ट मिसिंग। हाँ, आगे पढ़ो। सूरजमुखी से संपर्क करें, केयर ऑफ परमजीत सिंह। सूरजमुखी और परमजीत सिंह कौन है? जरूर इसमें भी कोई कोड होगा। हाँ सिंपल, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर और परमजीत सिंह यानी परमजीत सिंह गधे नाम है। हाँ, राहुल ठीक कह रहा है, परमजीत सिंह एक फिल्म प्रोड्यूसर है और एक चित्रकार है जो सिर्फ सूरजमुखी की पेंटिंग्स बनाता है। वी गॉट इट। आगे पढ़ो। ओहो ये देखो क्या लिखा है, सेंट्रल गैलरी में परमजीत सिंह की एग्जीबिशन लगी है 4:30 से 8:30 तक। अरे ये लोग वही मिलने वाले, 4:30 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। यार इसमें गले मिलने वाली क्या बात है, पहले साइंटिस्ट तो मिलने दो यार, बात बात पे जब देखो। थैंक यू। I'm sorry भैया जी, एग्जीबिशन चंगी है नहीं है, कमाल है। क्या यार आधा घंटा हो चुका है, वो लड़की ना यहाँ आई है ना आने वाली है, तो हमेशा बकवास करती है कंचन। ओहो खोतिया बवकूफ करेट, मैं कंचन नहीं है, ऐ कंचन है। कैसे पता चलेगा यार, क्या जरूरी था सरदार जी बनना? ओए जैसे इश्तिहार था उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना, ऐ देखना वो लड़की जरूर आएगी। हाँ ओ जी, मेरा भी दिल कहता है लड़की जरूर आएगी। ऐ दूर परियट, इतना नजदीक क्यों आ रहा सी? ओए ऐ डंगर कौन है? तो दोने लगदा हैगा, इसका मतलब इसने भी इश्तिहार पढ़ लिया। आहो ऐसा मतलब ऐ हुआ लोग करेक्ट रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की, वो देखो वो तो सैंपल जा रहे हैं। हाँ टू मोर डंगर्स है, ऐ तो इनामदार और कांटे हैंगे। आहो ऐसा मतलब बरात तो आ गई है, सिर्फ जोड़ी का इंतजार है। एक मिनट उसे देखो, उसे देखो, तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहना, और करना क्या है मैं तुम्हें बता दूंगा। पर सर मैं दूर रहूंगा तो आप मुझे बताएंगे कैसे? ओफो वो मेरा काम है, जाओ। उसे देखो, उसे यही वो लड़की है। आहो ओए तो एगी वो किताब पर छोड़ मैनू, इन्ना मतलब
साइंटिस्ट की डीलिंग ए लड़की और जिंदाल विच जरूर होगी। इसका मतलब इन दोनों को मिलना नहीं चाहिए। आहो, आहो, करेक्ट। तुम इस लड़की को संभालो। आहो, मैं जिंदाल को संभालता हूँ। जब पैर दे तको ओए मैं की करा। अरे तू कुकुर मुत्ता तुम इस कुकुर मुत्ते को संभालो। आहो ओए तेरे कुकुर मुत्ते थी मैं आन दे। कुकुर मुत्ता कुकुर गुप्ता। ओ खोतिया कुकुर मुत्ता। आई एम कुकुर गुप्ता। ओ कुकुर यू आर गुप्ता नॉट मुत्ता। आई वांट कुकुर मुत्ता। सूरजमुखी आहो आहो चित्रकार मिलेगा कीमत दसो। अच्छा मैं समझ गया। ऐसे बहुत लोग हैं कितने होर चल के गाल करते हैं सरदार के। चलो चलो आगे चलो एंड फॉलो मी कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता सूरजमुखी साइंटिस्ट को किधर रखा है? तुम उस पेंटिंग के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। है? कौन सी पेंटिंग के पीछे? उस पेंटिंग के पीछे। ओके। कुकुर मुत्ता इसमें नहीं है। है? कुकुर मुत्ता सूरजमुखी कुकुर मुत्ता साइंटिस्ट तुम्हारे पास है। एक काम करो उस पेंटिंग के पीछे जाके छुप जाओ। ओके। बल्ले यस। तुम साइंटिस्ट के लिए कितना देने को तैयार हो? 10 लाख। 10 लाख तुम साइंटिस्ट के लिए कितना देने को तैयार? 15 लाख। 15 लाख तो 15 लाख देने को तैयार है। 20 लाख। 25 लाख। 30 लाख। 35 लाख। 40 लाख। 50 लाख। कुकुर मुत्ता चिल्लाने मत और घुमा भी मत। क्यों? सीबीआई के लोग यहाँ मौजूद है और उनकी नजर हम पर है। कौन? कुकुर मुत्ता इसको भी कोडवर्ड मालूम है। तुम कौन हो? सूरजमुखी। कुकुर मुत्ता सूरजमुखी आगे बोलो चित्रकार लाए हो? चित्रकार तुम लाए हो? देखो कंफ्यूज मत करो, चित्रकार तुम्हें लाना था, सूरजमुखी मुझे। नहीं, चित्रकार मुझे लाना था और सूरजमुखी तुम्हें। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और तो ठीक है, फिर सौदा तय हो गया। हम तुम्हें $20 मिलियन देंगे और बदले में तुम हमें साइंटिस्ट। राइट लेकिन तुम्हें पैसे अभी देने पड़ेंगे, साइंटिस्ट तुम्हें बाद में मिलेगा। कब और कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं हुने इंतजाम करके आया। सुनो मेरी लड़की के साथ डील फाइनल हो गई है, लेकिन वो $20 मिलियन मांग रही है। रकम अभी चाहिए। लेकिन ये साला 10 मिलियन के आगे बढ़ता ही नहीं। तो फिर ठीक है, मैं 10 मिनट ट्राई मार के आता हूँ। चा। ओ देखो जी, तुसी 10वें की नहीं मान जाते, 10 मिलियन भी बहुत होने हैं। 20 मतलब 20, नहीं तो मैं। ओ, नाराज मत हो एंग्री यंग मैन, मैं हूँ आप पहले के। बोलो बोले। ओ नहीं, इससे ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ओ सुन यार, वो कुड़ी मान ही नहीं रही, अब क्या करें? ये कुड़ा भी मान ही नहीं रहा यार, तू ट्राई कर। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। और सुनिए भाई साहब, देखिए हमारे पास फॉरेन के बड़े बड़े ऑफर्स हैं $40 मिलियन के, पर चूंकि हम दोनों एक ही देश के, एक ही जात बिरादरी के, बिल्कुल एक जैसे दिखते ट्विंस, इसलिए मैं आपको 50% डिस्काउंट देने के तैयार हूँ। बोली मंजूर है? नहीं, 15 मिलियन से ऊपर मैं एक पैसा नहीं दूंगा। दुर्फिटे में, ये कोई तरीका है कस्टमर को ट्रीट करने का? 1,80,100, 1,80,200, 300, 400, 500, 600, 700। वो लड़का कहाँ गया? तो 50 में सौदा तय रहा। मैं आपको 50 दूंगा, आप मुझे साइंटिस्ट देंगे। करेक्ट। तो मैं अभी आता हूँ। ओके, तो 20 मिलियन में डील फाइनल। चलो ले चलो मुझे साइंटिस्ट के पास। मेरी डील फाइनल हो गई। अब किस चीज की? साइंटिस्ट की ऑन द स्पॉट डिलीवरी दे रहा है। कितने में? 50,000 में। 50,000? अबे साइंटिस्ट खरीद रहा है या टाइपिस्ट? आपको यकीन नहीं आता तो चलो दिखाता हूँ। चलो चलो चलो, मार में गया तुम्हारा डील साइंटिस्ट के अंदर। खोते उनकी करा। सर, मैंने जिंदाल का पता लगा लिया है। कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आओ दोनों, चलो कम ऑन। तुमने अच्छा काम किया डेका। इसका माल टूट रहा है बाजी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा माल। सर यही है वो जिंदाल। मिस्टर जिंदाल, यू आर अंडर अरेस्ट। आनंद, आनंद उस लड़की को गिरफ्तार कर लो। अगर मेरी तरफ कोई बढ़ेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगी।
पाजी गड्डी क्यों रोक दी? पेट्रोल खत्म हो गया या कार्बोरेटर? मैं ऐसा ही आदमी नहीं हो सकते। सच सच बताओ तुम कौन हो? ओ पाजी, तुसी तहलका वाला एक्सपोज करो, तैनू गलतफहमी हुई है। मैं देखिए देखिए गलत फहमी हुई है। देखे, 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 मेरी बात सुन ले। अरे अरे लड़के, अरे इतने सारे यहाँ भी है। नहीं नहीं देखिए 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 देखिए, अरे 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 मैं बताता हूँ। दरअसल ये सब हुआ है 400 करोड़ की वसीयत के चक्कर में। उस वसीयत में एक ऐसी शर्त है जिसे पाने के लिए दोस्त राहुल को इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना पड़ेगा। झूठ, ऐसी कोई वसीयत हो ही नहीं सकती। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पहली ऐसी वसीयत है। दरअसल गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि उस वक्त मैं एक नॉवेल लिख रहा था, द ग्रेट डॉन। मगर ग्रेट डॉन तो विदूषक ने लिखी है। हाँ तो मैं नॉवेल इसी नाम से लिखता हूँ ना। इसका मतलब शिमला एक्सप्रेस भी आप ही ने लिखी है? जी हाँ। और आखिरी मंजिल? जी हाँ, उसमें रावत का कैरेक्टर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। एक टुकड़ा शहर, डूबता किनारा, अकेला कारवा, रात, चेहरा, शर्त, ये सब आप ही ने लिखी है? अरे आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैंने तो विदुषक की हर नॉवेल बार बार पढ़ी है। उसके नॉवेल्स ने तो मेरे काम में मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मैं तो उसकी फैन हूँ, उसे पसंद करती हूँ, उसे चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। फिर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मुझे क्या पता था कि जो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के साथ साजन में हुआ वो मेरे साथ सच में हो जाएगा। I'm so lucky I found him. I love him. I love him. I love him. देखिए आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकती जब तक कि मेरा काम पूरा ना हो। मगर आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बेचारा आनंद, पता नहीं किस हाल में होगा वो। बेचारा नहीं हो आनंद, उसी की वजह से तो मैं यहाँ फंसा हूँ, गधे की तरह यहाँ से वहां घूम रहा हूँ। हेलो फोन। अरे हाँ। हेलो 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 राहुल, राहुल मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद आनंद कहाँ है तू? ध्यान से मेरी बात सुनो, बड़ी मुश्किल से फोन कर पा रहा हूँ, बाद में शायद मौका न मिले। अच्छा अच्छा मुश्किल हो रहा है, लेकिन तू ठीक तो है ना आनंद? अरे यार मुझे बोलने दो, बीच में खुद ही बोले चले जा रहा हूँ। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तू ही तो बोल रहा है, ठीक है ना तू? यार तू चिल्ला मत, कंचन को फोन दे, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हाँ दे रहा हूँ कंचन को, लेकिन तू संभाल। हेलो आनंद, तुम ठीक तो हो ना? कंचन कंचन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम आगे बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो इस ट्रेसी और जिंदाल की मीटिंग फिक्स हो गई है। ट्रेसी? अरे वही लड़की जिसे हम ट्रेस कर रहे थे, वो दोनों कल मड आइलैंड के गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने वाले। और मैं, अच्छा मैं फोन रखता हूँ। हाँ आनंद, क्या हुआ? आनंद क्या हुआ? आनंद देख, ओ माय गॉड, कल वो लड़की जिंदाल से मिलने जा रही है, किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। कैसे कैसे कैसे? राहुल तुमने उस लड़की के साथ गाना गाया था ना? हाँ। उसके साथ रोमांस भी किया था? हाँ, और वो मुझ पे लट्टू भी हो गई। अरे फिर तो अपनी बात बन गई। कैसे? देखो पहले तुम उसको अपने प्यार में फंसाना, हाँ फिर उसका दिल जीत लेना, और फिर वो तुम्हें बता देगी कि साइंटिस्ट को उसने कहाँ छुपाया है। हाँ वो बहुत तेज चीज है, वो पटने वाली नहीं है। पटेगी, ये हमारे लिए चैलेंज है राहुल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे पटाना। Romance is not by chance. You must know the approach. Acha? धीरे से जाना नजरें
क्या कहूँ कैसे कहूँ आखिर कहूँ क्या, पहली पहली मुलाकात तो शर्माएगी थोड़ा फिर वो इतराएगी थोड़ा, कहीं घबरा के उससे दूर ना होना, पास तुम उसके ही रहना, चाहे नखरे करे सहना, कहीं घबरा के उससे दूर ना होना। लेकिन करूँगा मैं ये कैसे, मुझसे तो होगा ना जी ऐसे, फिर भी कहती हो तो कहूँगा आई लव यू। धीरे से आखिर कहूँ क्या, पहली पहली मुलाकातों में। मन छोड़ो खामोशी, देखो तो मेरी मदहोशी, प्यार मुझे तुमसे कसम से तुमसे हो गया, देखो इनकार ना करना, कोई तकरार ना करना, प्यार मुझे तुमसे कसम से तुमसे हो गया। कैसे कहूँ आखिर कहूँ क्या, पहली पहली मुलाकातों में। धीरे से जाना नजरें मिलाना, फिर कहना बातों बातों में। कुछ कुछ दिल में सच है ये, मैं हूँ मुश्किल में, कहीं दिल मेरा ना तेरा दीवाना हो जाए। मुझे प्यार तुमसे करना ही नहीं, सोचा है तुम पे मरना ही नहीं, कह तो दिया था कि I don't love you। What's happening here? धीरे से जाना नजरे मिलाना, क्या कहूँ बातों बातों में। कैसे हैं? अंदर चलिए आप। आप तो कमाल करते हैं जनाब, 10 से 15 मिलियन, 15 से 20, 20 से 40 मिलियन डॉलर, आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ा जबान जबान करते थे, आपकी तो कोई जबान ही नहीं है। देखिए, जबान अपनी जगह और कीमत अपनी जगह, और कीमत मैंने नहीं उस लड़की ने बढ़ाई है। अगर आपको ये सौदा मंजूर नहीं है तो साइंटिस्ट कृष्णा मूर्ति के खरीदार और भी बहुत सारे मुल्क हैं, मैं उनको किसी भी कीमत पर बेच सकता हूँ। पर जिंदाल साहब, हम कैसे मान लें कि कीमत लड़की ने बढ़ाई है, आपने नहीं। जिंदाल के किरदार पर शक, अब ये सौदा बिल्कुल नहीं होगा। जिंदाल साहब, मैं इस जमीन पर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदाल साहब सुनिए, खलील अहमक है, बच्चा है, नादान है, आप चलिए, आप चलिए। आप भी अहमक है खलील साहब, जहन से अल्फाज नाप तौल कर निकालिए, हुजूर के मिजाज और मौके की नजाकत को समझिए। जनाब आप ऑफिस में तशरीफ रखिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए, आपका 40 मिलियन डॉलर का सौदा हमें मंजूर है। ये पूरी की पूरी रकम मुझे पेशगी में चाहिए। मगर हुजूर ये पूरी रकम। जनाब हमें आपका सौदा मंजूर है, लेकिन ये बताइए कि ये सौदा कब कहां और कैसे होगा। साइंटिस्ट कृष्णा मूर्ति की डिलीवरी परसों राजस्थान के बॉर्डर पर होटल फ्रंटियर पैलेस में होगी। लड़की को रकम देकर मैं साइंटिस्ट को हासिल कर लूंगा और आप लोगों के हवाले कर दूंगा, बशर्ते मुझे मेरा पूरा पैसा कल तक मिल जाए। हमें ये सौदा मंजूर है। गुड,
आपके लिए शरबत आ रहा है सर। हो गया हटो। ओके खुदा हाफिज जिंदाल साहब। खुदा हाफिज। ये जो जिंदाल का बच्चा ना सर, ये किसी जहरीले सांप की नस्ल का नया नमूना है। लेकिन इसे हमारी काबिलियत का अंदाजा नहीं है सर। इसने हमारा वो टीवी सीरियल नहीं देखा ना अंधेरा उजाला। सर मुझे ये पहले से मालूम था कि साइंटिस्ट की अदला बदली जो है ना जी, होटल फ्रंटियर पैलेस में होने वाली। इसलिए मैंने होटल फ्रंटियर पैलेस पहले से खरीद लिया बस। वेरी गुड बच्चड़िया। अब एक काम और करो, हिंदुस्तान में हमारे सभी एजेंट्स को इतला कर दो कि वहाँ पहुँच जाए। हम खुद वहाँ पहुँच कर उनको सारा खेल बताएंगे जनाब। और फिर रकम हमारी, साइंटिस्ट हमारा, बम हमारा और फतेह भी हमारी। बेवकूफ कहीं के, यही तो मार खाते हैं। करने से पहले ही सब कुछ बोल देते हैं और हम कर देते हैं पता भी नहीं चलता। बाकी हम वहां जाकर संभाल लेंगे। जैसे आप बोले। शरबत आ गया सर। आप तो फतेह के बाद ही। मुश्ताक। इसे गौर से देखो, इसकी शक्ल साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति से हूबहू मिलती है। आप सही फरमा रहे हैं जनाब, अब हमारा काम हो जाए। मेरे प्यारे विदुषक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इन हालात में मिलूंगी। ना ही मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकी, ना ही तुम्हारे दिल की बात जान सकी। मगर इस वक्त मेरा तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है। मेरा काम पूरा होने के साथ तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तकदीर हमें फिर से मिलाएगी। उस पल के इंतजार में ट्रेसी। क्या सोच रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे तुम इतने दिन उस लड़की के साथ रहकर आए, कुछ तो बताया होगा उसने। ऐसे हेलो हेलो मैडम, मैं गणपत बोल रहा हूँ। हाँ गणपत बोल। हेलो मैडम। हाँ मैडम। हेलो मैडम। हाँ बोल मैडम। पतियाला से आपके पिताजी आ रहे हैं, आपसे मिलने पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं। हे रब्बा, मेरे पापा जी ने मेरे सस्पेंशन का पता चल गया, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। एक काम कर गणपत। जी मैडम। सुन, तू जल्दी से एक गुमनाम फोन कर, पुलिस स्टेशन में से इनामदार और कांटे को कैसे भी हटा, मैं वहाँ अब भी पहुँचती हूँ, जल्दी। कांटे कांटे जल्दी चलो, जीप लाओ, वैन लाओ। क्या हुआ सर? अरे साइंटिस्ट का पता चल गया, वो भिंडी बाजार में। भिंडी बाजार में? साइंटिस्ट भिंडी बाजार में क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, चल जल्दी चल। आइए आप बैठिए। क्वालिटी, वाह शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। थैंक यू डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। व्हाट? कांटे, किस गधे ने हमको गलत फोन करके भिंडी बाजार भेज दिया? वो तो अच्छा हुआ सर कि मैंने रास्ते से भिंडी बाजार पुलिस स्टेशन फोन कर लिया और पता लगा लिया कि खबर गलत है। डैडी मैं तो इससे भी आगे जा सकती हूँ, लेकिन वो क्या है, ये जो मेरे जूनियर्स है ना, ये कुछ ज्यादा ही सुस्त है, कुछ काम नहीं होता इनसे। मैडम 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 मैडम, मुन्ना चोर ने मात्री की गन छीन कर उसे बंदी बना लिया है और कहता है कि उसे नहीं छोड़ा तो मात्री को गोली से उड़ा देगा। ये मेरे पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है? अरे चल किधर जा रहा? अरे अरे वाह बेटी वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिस कंचन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सस्पेंड किया है। बोल बोल बोल, ये सच है क्या नहीं, बोल। हाँ पापा। हाँ। ये सच है कि मुझे सस्पेंड किया गया है, ये सब नाटक है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ओह, तो आप कंचन के पिता जसवंत ढिल्लो? ग्लैड टू मीट यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन माफ करना सर, आपकी बेटी को मुझे सस्पेंड करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं भी कई बार सस्पेंड हो चुका हूँ। हाँ? लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूँ साहब, वो साइंटिस्ट का कहीं पता नहीं लग रहा है और ऊपर से अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कभी भी मेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। मेरा तो आ ही चुका है, ये देखो और तुम्हारा भी आ ही जाएगा। आखिर उस लड़की ने साइंटिस्ट को कहाँ छुपा के रखा है कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे पता है।
लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। क्या? ये काम आप सब लोग मिलके कीजिए। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर। हाँ, मंजूर, मंजूर, मंजूर। ठीक है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, सबेर सिंह, जैसलमेर इलाके का एसपी है। उसे खबर मिली है कि वहाँ का होटल फ्रंटियर पैलेस आईएसआई ने खरीद लिया है। जरूर वहाँ कुछ होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग वहाँ पहुँचोगे कैसे? सिंपल, राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग बहुत होती है। एक शूटिंग और सही, घड़ी खंबा। मैडम, मैडम, इसका क्या करें? क्या शक्ल दी है ऊपर वाले ने? ए, तुम लोग मेरे को घूर क्यों रहे हैं? अरे ये तो अपनी फिल्म का क्लाइमेक्स है। चल। देखिए आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं निकाल सकते। अब तुम जाओ यहाँ से। देखिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। महोदय महोदय मेरी बात आप ध्यान से सुन ले। आपका अरेंजमेंट हमने बहुत सामने वाले होटल में कर दिया। और अहमद जनाब, जनाब को बार का रास्ता दिखाओ यार। अरे अरे जा यार, चल। अरे लीजिए जनाब वाला, इन दोनों के साथ सारा का सारा होटल खाली हो गया जनाब। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ वो इश्क का क्या हुआ? जनाब ऑपरेशन इश्क के मुताबिक सारा स्टाफ, कुक, वेटर, जेनेटर सब की जगह हमारे आईएसआई एजेंट लगा दिए गए हैं सर। वेरी गुड। वो लड़की किस कमरे में? लड़की 402 में है जनाब। और वो जिंदाल? वो कमीना 210 में चेक मार रहा है सर। वो साइंटिस्ट कहाँ है? जनाब वो साइंटिस्ट की तो उस लड़की ने हवा तक भी बाहर नहीं निकलने दी। मुझे लगता है सर कि साइंटिस्ट को वो लड़की टाइम के टाइम पेश करेगी सर। तब तक उस लड़की पर सख्त निगरानी रखो जनाब। दस मिनट के बाद आके ले जाना। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तुम वापस अपनी जगह जाओ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। यस। सुनो सुनो, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा कि मुझे करना क्या है? बताएंगे बताएंगे, फिलहाल आप आराम कीजिए। कौन हो तुम? पहचाना नहीं सर, मैं देखा हूं देखा। ओफो, अंदर आ जाओ, चलो। आप भी धोखा खा गए ना सर, कमाल का गेटअप है ना मेरा। अजीब आदमी हो तुम, यहाँ से किसी गेटअप में जाते हो और वापस किसी दूसरे गेटअप में आते हो, हम पहचाने कैसे? सर वो गेटअप जम नहीं रहा था इसलिए बदल दिया। लेकिन आपका भी कमाल नहीं है सर, क्या गेटअप लिया है आपने? वाह इडियट डफर, ये गेटअप नहीं है, मैं शेव करने जा रहा था। ओ अच्छा, ये बताओ जिस काम के लिए तुम गए थे उसका क्या हुआ? आपकी इन्फॉर्मेशन सही निकली सर, पूरा होटल आईएसआई एजेंटों से भरा हुआ है और इस होटल के वही दो मालिक हैं, खलील और खलील। अच्छा, आज रात उन दोनों का साइंटिस्ट और पैसे के साथ गायब होने का प्लान है, ऑपरेशन इश्क। लेकिन रात होने से पहले ही हम उन दोनों को लेकर यहां से फरार हो जाएंगे और हमारे ऑपरेशन का नाम होगा डबल इश्क। ऑपरेशन इश्क इश्क, वही क्या कहा? इश्क इश्क इश्क। जी हाँ, इसी फिल्म की शूटिंग हमको यहाँ पर करनी है। आपके इस आलीशान होटल में हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या लगेगा, लवली लवली लवली। तो क्या बकवास हुआ है? ओ इधर कोई शूटिंग वोटिंग नहीं हो सकती, ओ हमारा होटल टूरिस्ट के लिए एक हफ्ते के लिए बंद बस। अरे सुनो यार, आपका ये होटल हमें बहुत पसंद आया है, हम मुंह मांगी कीमत दे देंगे। मैंने कहा ना पॉसिबल नहीं है, चले आप। अरे देखो देखो तो भाई, यहाँ पर चले यार, तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत पब्लिसिटी मिलेगी और टूरिस्ट टूरिस्ट आएंगे। सर शॉर्ट रेडियो सर। ओ
थैंक यू फॉर द परमिशन। पैसे का हिसाब किताब करें। मैं चला। लेकिन यार ठहर। मैं पैसे का हिसाब करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो चाहिए वो पैसा आपको मिलेगा। कौन सा चाहिए, क्या पैसा चाहिए, चिंता नहीं करता। सर यहाँ से हाई स्पीड में हीरो आता है। सर यहाँ से हाई स्पीड में हीरोइन आती है। हाई स्पीड में दोनों मिलने वाले होते हैं, विलन आ जाते हैं। कोई कहीं से नहीं आएगा, मैंने कह दिया ना शूटिंग नहीं होगी तो नहीं होगी बस। अरे भैया बात को जरा समझा करो दोस्त। क्या समस्या युवराज? सर वो कुछ नहीं भैया, ये सब शूटिंग की इजाजत मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं युवराज, ये हमारे होटल के लिए बहुत अच्छा है, हमारा प्रचार होगा, व्यापार बढ़ेगा। क्या शूट करना चाहते हैं आप लोग? हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स, और फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ लोग साइंटिस्ट को किडनैप करके ले जाते हैं और हीरो हीरोइन उन्हें छुड़ाते हैं और विलेन पाकिस्तान भाग जाते हैं। नहीं, ये बहुत ही बकवास किस्म का क्लाइमैक्स है, ऐसा कहीं हो सकता है? चुप रहो युवराज, दरअसल हिंदी फिल्मों में असलियत से उल्ट होता है। आप लोगों का क्लाइमैक्स मुझे पसंद आया। हाँ। आप लोग शूटिंग कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द परमिशन। यूनिट आजा आजा आजा। जनाब वाला, आपकी शतरंज की ये चाल आपने तो जहन से बाहर। यही तो फर्क है आप में और हम में। ऐसे हालात में इन लोगों का होटल में दाखिल होना, शूटिंग करने के लिए जिद करना और हमें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होना, इससे साफ जाहिर होता है कि लिफाफा कुछ और है और मजमून कुछ और। चल मुन्ना, तेरा शॉट रेडी है। जरा बाजी पूरी होने दे। बाजी छोड़ भाई मेरे, पहले चल। किस्मत अच्छी है तेरी, बच गया तू 3-1। क्या किस्मत है तेरी यार, तीसरी बार 3-1 और क्या। चलना यार। अरे दाढ़ी वाड़ी तो लगवा पहले। हाँ यार। कैमरा रोलिंग, एक्शन। होल्ड इट, हिलना नहीं। आई शूट फर्स्ट एंड टॉक लेटर। वाला ही तो कृष्णमूर्ति लगता है। बिल्कुल। पर जनाब वाला, ये एक्टिंग क्यों कर रहा है? कौन हो तुम? सर मैं देखा हूं, देखा। देखा? हाँ। अंदर आ जाओ। फिर तुमने गेटअप चेंज कर लिया। सर आप ही ने तो कहा था आपको गेटअप पसंद नहीं आया। लेकिन अब क्यों आयो? सर नीचे जो हो रहा है ना, वो देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। क्या हो क्या रहा है नीचे? साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति ने फिल्म लाइन ज्वाइन कर लिए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच तो बोल रहा हूँ सर, वो नीचे शूटिंग कर रहा है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा, समझ गए ना? आप लोग यही सोच रहे थे ना कि साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति को साइंस हॉल से तो किसी और लड़की ने किडनैप किया था। खलील, ये लड़की नीचे क्यों आ गई? जनाब वाला कुछ चक्कर तो है। हाँ, 40 मिलियन डॉलर के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। yes. और औरत भी। लेकिन इस लड़की को ये नहीं पता कि जहाँ इसने साइंटिस्ट को छुपाया हुआ है वहाँ साइंटिस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट हमारे पास है। yes. अच्छा अच्छा, ओ हो, तो आपको ये दोनों उस लड़की से छुड़ा के यहाँ लेके आए। लेकिन उस बेचारी लड़की को इस बात का अंदाजा ही नहीं है। देखा, जाओ उस लड़की का पीछा करो। जाने दो सर, गेटअप देख के डर जाएगी। शट अप, जाओ। खलील। जी सर। जल्दी से हमारे डुप्लीकेट मुश्ताक को ले आओ और अहमद को कह दो कि हमारे इशारे पर होटल की सारी बत्तियां बुझा दे, हम असली को नकली से बदल देंगे। जनाब। अरे क्या हुआ? जनाब वो यहाँ पर भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया, रूम में भी नहीं है। और अहमद, वो कहाँ है मुश्ताक? मुश्ताक अपने कमरे में नहीं है जनाब। क्या बात कर रहे हो, किधर गया वो? सब लोग ढूंढ रहे हैं, बाबरची खाने में, स्टोर रूम में, डाइनिंग हॉल में। अहमद मेरी बात ध्यान से सुनो, सारा होटल छान मारो, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ जल्दी। जनाब मुश्ताक नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हो? जनाब मैं सही कह रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा। आखिर मुश्ताक गया कहां? जनाबे वाला, कहीं ये मुश्ताक ही तो नहीं? एक्शन। कट, बंद करो ये शूटिंग चैटिंग। क्या हुआ? ये तुम्हारा एक्टर नहीं, हमारा आदमी मुश्ताक है। अरे ये हमारा एक्टर है मुन्ना। हाँ। खबरदार हो, हम साबित कर सकते हैं। ये देखो हमारा मुश्ताक है। अरे हम साबित कर सकते हैं, ये देखो ये मुन्ना है। ये हमारा मुश्ताक है। मुन्ना है, ये हमारा मुश्ताक है। साइंटिस्ट को यहाँ रखने में बहुत बड़ा खतरा है, चलो इसे शिफ्ट करते, कम ऑन। यस। एक मिनट। ओह माय गॉड, ये तो नकली है। तो फिर कृष्णमूर्ति कहाँ है? चल जाओ ढूंढो उसे, गो।
अरे ये हमारा मुश्ताक है। क्या बोल रहे हो? किसका मुश्ताक है? ओ माय गॉड, तुम अब तक अंदर थे? हाँ, मैं फ्रीक्वेंसी FY29 के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है 50 साल बाद हम सब एक जैसे दिखने लगेंगे। लेकिन 50 साल पहले मैं जिसे ऊपर लेकर गया था वो कौन था? जो भी हो तुम चलो। मुश्ताक मिल गया। ए, सबको बोल मुश्ताक मिल गया। जनाब मुश्ताक मिल गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुश्ताक मिल गया। मिल गया साहब जी, अपना आदमी मिल गया। भाई माफी चाहते हैं, हमारा आदमी मिल गया। तुम अपना काम करो। दाढ़ी दो, दाढ़ी 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 रखो। ट्रेसी, ट्रेसी असली साइंटिस्ट ISI के हाथ लग गया। क्या? हाँ, वो उसे मुश्ताक समझ के ले गए। और मुश्ताक हमारे पास है। ओ माय गॉड, चलो भागो, आओ मेरे साथ। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जलील साहब, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? देखा, मैंने कहा था ना कि साइंटिस्ट को यहाँ छुपा रखा। देखो बिल्कुल सेम टू सेम। अरे देखिए मैं क्या बोल। ओ माय गॉड, क्या शक्ल मिलती है दोनों की। उन्हें को लेकर जल्दी 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 चलो आनंद, चलो 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 चलो। चुंदा लग गया। क्या कर, क्या बाजू 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 में, बाजू में, चलो बाजू बाजू। अरे मुन्ना तेरे को बोला ना, ऊपर जा, ऊपर जा। अरे ऊपर जा ना, चलो चलो चलो। देखा देखा सर, देखा, मैंने कहा था ना उस लड़की ने असली साइंटिस्ट को यहाँ छुपा कर रखा। गुड गुड, चलो इसे उठा कर ले जाते हैं। उठाओ, देखो मैं क्या बोल। उठाओ इसे। 40 मिलियन भी हमारे, साइंटिस्ट भी हमारा। रंबा हो हो हो, रंबा हो 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 हो। गया गया गया, चलो 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 चलो। वो गधा टॉन मुन्ना को साइंटिस्ट समझ कर ले गया। देखा हमारी स्कीम कामयाब हुई। I'm warning you, I'll shoot you. Kate, arrest her, arrest her. यही है वो चालबाज जिसने साइंटिस्ट को किडनैप करके सारे देश को खतरे में डाल दिया है। थू, ट्रेटर, देशद्रोही, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने देश को दुश्मनों के हाथ बेचते हुए? लानत है तुम पर। पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो। न जाने कितनी बार तुमने अपने देश को बेचा होगा। तुम जैसे गद्दारों को तो बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। गद्दार मैं नहीं, तुम सब हो। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो अब तक सारे ISI एजेंट्स मेरी गिरफ्त में होते। लेकिन अब मेरा मिशन फेल हो गया है और इसके कसूरवार। एक मिनट, हमको कसूरवार ठहराने वाली आप कौन होती है? डू यू नो, ये सीनियर इंस्पेक्टर इनामदार और मैं हूँ CBI चीफ दोने। मैं सब जानती हूँ मिस्टर श्रीकांत राम प्रसाद दोने। आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1954, प्लेस ऑफ बर्थ रीवा MP। आपने 1975 में CBI ज्वाइन किया एज अ स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। 1995 में आपको चीफ बनाया गया। आपकी 2 बार शादी हो चुकी है, आपके 4 बच्चे हैं और 2 बड़े बच्चों गिरीश और रीमा की शादी हो चुकी है। और आप मिस्टर इनामदार, आपको 1984 में सीने में गोली लगने की वजह से सर्वोदय हॉस्पिटल में 6 महीनों के लिए एडमिट किया गया था। Am I right? Right, right. करेक्ट करेक्ट। लेकिन लेकिन तुम्हें ये सब, तुम कौन हो? रॉ एजेंट शालिनी माथुर ऑन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा मिशन था साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति का लालच देकर यहां लाना और ISI एजेंट्स को गिरफ्तार करना, और इसीलिए मैंने ये किडनैपिंग का नाटक किया था। देखा देखा, मेरा दिल ये कह रहा था ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। गलती हमारी है, लेकिन हमने आपका काम कैसे बिगाड़ा? असली साइंटिस्ट तो हमारे पास है। ये साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति नहीं है, उसका हमशक्ल है मुश्ताक, जो ISI अपने साथ लाई है। ओह माय गॉड, एक और हमशक्ल? यहाँ तो बहुत गड़बड़ाई यार। हैंग ऑन, यानी कि ISI का हमशक्ल हमारे पास और हमारा हमशक्ल डॉन के पास। थोड़ी देर में मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा और हम यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। लेकिन देखिए बेटे, नहीं, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी दाढ़ी का एक एक बाल मैं नोच लूंगा।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? गोली मत मारना सेठ, मैं मुन्ना विक्रोली छोटी मोटी चोरी करता हूँ, जेब काटता हूँ, पुलिस ने मेरे को इस लफड़े में डाल दिया। ओ, तो नीचे तुम ही शूटिंग कर रहे थे? अरे तो वो लोग मेरी जान ले लेते। अगर तुम नकली हो तो असली कहाँ है? एक मिनट, क्या हुआ? वो ठीक है, जल्दी करो, जाओ जाओ जाओ। अगर उनको पता चल गया मेरी दाढ़ी असली है तो मुश्ताक, और कितना वक्त लगेगा यार? अल्लाह, तूने पूरी दाढ़ी निकाल दी, अब इसका क्या करूं? अब नई दाढ़ी लगानी पड़ेगी, चलो। जनाब वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा साइंटिस्ट मुश्ताक है और कौन सा मुश्ताक मुन्ना है? मुन्ना कुक है कि मुश्ताक साइंटिस्ट है? ओहो, बहुत हो चुका ये खेल। हमारे सभी एजेंट्स को बोल दो कि वो गधा डॉन और शूटिंग यूनिट के सभी मदारियों को हिरासत में ले लें। अगर कोई मजबूर करे तो गोली से उड़ा दें, और वो तीनों साइंटिस्ट को एक ही लाइन में खड़ा करें। अभी पता चल जाएगा कि कौन सा असली है। चलो आगे सब लोग, अगर इनमें से कोई भी हिलने की कोशिश करे तो गोलियों से खून देना। खलील पुत्र, पौनी जंग तो हम जीत चुके हैं, अब तुम बताओ इनमें से असली साइंटिस्ट कौन है? भाईजान, भाईजान, दाया वाला, दाया वाला। ओ यही है सर, असली यही है सर। ओए, उसने कहा और तुमने मान लिया? और नहीं सर, इसकी शक्ल देखो, चेहरा देखो इसका, क्या हुनर है सर, कामयाबी डप डप करके टपक रही चेहरे से, असली यही है सर। ठीक है, ओए तुम बताओ असली तुम ही हो, वरना गोली से उड़ा दूंगा। नहीं हुजूर, गोली मत चलाएगा, आपका असली मुश्ताक खान साहब मुश्ताक मैं ही तो हूँ, बिना बाजार से आपका पसंदीदा रूह अफ़ज़ा शरबत मैं ही तो लाता था। उल्लू के पट्टे पहचान नहीं पा रहे। मुश्ताक ये है। छड़ यार, मैं खुद देखता हूँ सर। सर यही असली है सर, बिल्कुल ही असली है। अगर इस बार सही नहीं निकला ना तो खुदा कसम तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। पर मेरे सर तो आप हैं सर। शट अप। ए, बताओ असली साइंटिस्ट तुम ही हो, वरना मैं तुम्हारा सर गोलियों से भून दूंगा। नहीं नहीं हुजूर, आपका खान सामा मुश्ताक तो मैं हूँ, भूल गए, मुमताज बाजार से खरीदे जाफरान से बनी बिरयानी जो मैं आपके लिए बनाता था। ओ, अपना मुश्ताक। तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी में कैसे भूल सकता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बावर्ची हो। ये तो मुश्ताक है सर। फिर बात क्लियर हो गई सर, ये दोनों मुश्ताक है ना जी, तो फिर इसका मतलब असली साइंटिस्ट ये है सर, यही असली साइंटिस्ट। यस यस यस। लेकिन मुश्ताक दो कैसे हो सकते हैं? मुश्ताक तो एक है, इसका मतलब इन दोनों में से एक साइंटिस्ट है, लेकिन कौन? हुजूर मैं कुछ अर्ज करूं? अब तुम्हें क्या हुआ? अगर आपको पता करना है कि असली मुश्ताक कौन है तो जरा इनसे पूछिए कि आपके यहाँ जो दाल गोश्त बनता है उसका गोश्त फिरदौस गली की किस दुकान से आता है? सुभान अल्लाह, क्या नुस्खा सुझाया सर इसने। ओए ओए, एक मिनट ठहरो ठहरो यार, पर ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि मैं ही मुश्ताक हूँ हुजूर। या अल्लाह, ये तीसरा भी मुश्ताक है। सर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों में से असली मुश्ताक कौन है। बेवकूफ, हमें असली मुश्ताक नहीं असली साइंटिस्ट चाहिए। किसी भी उल्लू के पट्टे को पता नहीं चल रहा असली साइंटिस्ट कौन है। देखो मैं बताता हूँ ये अरे राहुल, मेरे ख्याल से असली साइंटिस्ट इसी के अंदर बंद है। अरे राहुल राहुल राहुल, एक सेकंड, अरे दौड़। अरे तुम असली हो? अरे क्या यार, नकली कहीं का? कुछ देख तो नहीं रहा, कौन देखेगा। चलो अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जंग फतेह करने के बाद हम अपने मुल्क में आ चुके हैं। बिल्कुल सही फरमाया जनाब, अपने मुल्क की आबो हवा का जवाब नहीं सर। और ऊपर से ये हिंदुस्तान का नायाब हीरा साइंटिस्ट कृष्ण मूर्ति हमारे साथ है सर। हुजूर गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं साइंटिस्ट कृष्ण मूर्ति नहीं हूँ, मैं आपका मुश्ताक हूँ। अच्छा जी, मुश्ताक हूँ। कृष्ण मूर्ति साहब, और दाढ़ी निकाल देने से कोई मुश्ताक नहीं हो जाता। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ही आपका मुश्ताक हूँ। तो करो। करो करो करो। हाँ बोलो। हुजूर गुस्ताखी माफ, हाँ? जब भी भाभी जान मायके जाती है तो आपका दिल बहलाने के लिए मैं ही तो जीनत बाई। ओए चुप हो बछड़िया, अगर ऐसी बात फिर जुबान पर लाया ना तो गोली से उड़ा दूंगा। ओए ये तो मुश्ताक है। हाँ हुजूर। क्यों जनाब, ये साइंटिस्ट कृष्ण मूर्ति निकला ना। ओए नहीं खलील पुत्र, हम दोनों बेअकल मुश्ताक को ही ले गए थे और मुश्ताक को ही वापस लाए हैं। या अल्लाह, यानी जहाँ थे वही है, न कोई इजाफा है। हालात ये है कि न मजमून है ना लिफाफा है। हुजूर शरबत लाओ। चुप है। सब के सब साले उल्लू के पट्टे। मैंने तो देखते ही कह दिया था कि दाया वाला असली साइंटिस्ट है। सर इसलिए लाइट्स ऑफ होते ही मैंने उसे पकड़ लिया। गुड, निकालो कृष्णा मूर्ति को बाहर। ओके सर। सर सर वो तो गायब है। क्या देखा, हम जिसे साइंटिस्ट समझकर उठा लाए वो तो मुन्ना पॉकेट मार निकला। हाँ सर, अपने पाक मकसद से इस कदर हट गए। हारना था दुश्मन को, खुद ही फट गए। हाँ सर। सारे आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार कर लो, कोई बचना नहीं चाहिए। क्या बात, मैंने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सब गिरफ्तार हो गए। शाली तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, तुम असली साइंटिस्ट को पकड़ के ले आई। मुझे पहले से ही पता था कि साइंटिस्ट के होठों के नीचे एक निशान है जो दाढ़ी में छुपा हुआ था। कंचन तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर। मासा सर, अरे तुझा पण पक्का। थैंक यू। एक मिनट, तुम दोनों की कसम पूरी हो गई, तुम्हें 400 करोड़ रुपए मिल गए और तुम्हारी प्रमोशन हो गई। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, और वो आइडिया है एक जबरदस्त नया नॉवल लिखने का। मत लिखना मेरे बाप, वरना इस बार मैं सचमुच का टॉन बन जाऊंगा।